TSS ऑप्शन इन कराची स्पेशली, जनरली अगर मैं कराची की बात करूँ तो वो इतना पॉपुलर नहीं था. एंड आई हैड टू गिव एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इट जस्ट वेंट ग्रेट. देखें, जो डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की एथनिक हिस्ट्री में वो 71 की ट्रेजेडी है. तो ये फिफ्थ इंसर्जेंसी, आई थिंक भुट्टो और ये भुट्टो साहब की सबसे बड़ी गलती थी मेरा ख्याल है वो बलूचिस्तान थी. मीनिंग वॉज अकबर बुगती या सेपरेटिस्ट? मेरे ख्याल में अकबर बुगती सेपरेटिस्ट नहीं थी. तो जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारा, ये तो नुकसान हो गया हमारा. तो कराची बाय दैट टाइम हैड यू नो सो टू स्पीक डिटीरियोरेटेड टू द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ दीज एसेंशियल फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, पानी का क्राइसिस चल रहा है. एथनोसेंट्रिसिज्म, ये कि जी मेरा ग्रुप सुपीरियर है, जो अगला ग्रुप है वो इन्फीरियर. ठीक है, दोबारा कोई रैशनल इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सेप्ट टू से कि जी क्यों सुपीरियर है, किसने कहा सुपीरियर है, खुदा ने कहा सुपीरियर, कहाँ से आई ये सुपीरियरिटी? यू नो एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट पर उनको रिप्लाई करना, थैंक यू हर एक को. फिर दिन भर ये सोचते रहे कि अब ये लिख दिया है, जवाब क्या आएंगे, अब जवाब क्या मैं लिखूं, और अब मैं अगर वही सोचता रहूंगा फिर मैं पढ़ नहीं सकता ना. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहान, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा सर, पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट ड्रोव यू टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन? व्हाट ड्रोव मी टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Basically, when we were graduating, you know, that was back in the day in the 90s, mid-90s in fact. तो जो international relations students करते थे उनकी एक primary motivation जो है वो civil service, CSS exams उसकी होती थी. जो हमारा या दूसरा journalism में भी लोग जाते थे. Of course, electronic media उस वक्त इतना developed नहीं था, ना social media था. So the most popular option was either you could go and be a journalist in a newspaper, Dawn या yeah, News, या yeah, फिर आप CSS में जा सकते थे. So the CSS option in Karachi especially, generally अगर मैं Karachi की बात करूँ तो वो इतना popular नहीं था. उसकी वजह मुख्तलिफ थी. ये था कि bureaucracy और working in the bureaucracy does not bring in any ingenuity, there's less freedom to think and write and do these sort of things. तो आप एक position तो हासिल कर लेंगे after giving a CSS, लेकिन personality wise, intellectually, you know, there is no growth. So that was the thing that pushed a lot of people away from the CSS option. Or because I enjoyed academia, so I started off as a visiting lecture, as a visiting faculty. जी हाँ, उसको उस ज़माने में कोऑपरेटिव टीचर या कोऑपरेटिव फैकल्टी कहते थे, कराची यूनिवर्सिटी में थे. तो वो एक एक्सपेरिमेंटल मेरा था कि ओके मे बी आई यू नो गिव टीचिंग अ ट्राई एंड देन सी वेयर थिंग्स गो, बिकॉज आई वाज स्टिल डिसाइडिंग ऑन अ नंबर ऑफ ऑप्शंस कि क्या क्या हो सकता है, बट नॉट द CSS ऑप्शन. तो जी जब सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, व्हेन आई गेव माय फर्स्ट लेक्चर, और वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्लास थी, एंड आई हैड टू गिव एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इट जस्ट वेंट ग्रेट. I enjoyed it and that was it. So फिर मैंने फैसला, you decided to go into teaching. फिर मैंने फैसला किया कि जी के टीचिंग ही करियर परसू किया जाए. सर जो आपका थीसिस था, PhD थीसिस, that was the state and politics of ethnicity. जी. और उसमें आपने सारी जो ethnicities हैं और उसको आपने divide किया pre 1971 और post 1971. तो और उसमें फिर आपने कुछ एरास भी, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आपने इस स्पेसिफिक उस पर क्यों काम किया? देखिए, जो डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की एथनिक हिस्ट्री में वो 71 की ट्रेजेडी है, यू नो द सेसेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान ना. सो तो मेन जो फोकल पॉइंट था मेरा जब मैंने वो थीसिस लिखा, वो ये समझना था कि 71 के बाद क्या हुआ है पाकिस्तान में जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, क्या ये क्या पाकिस्तान ने कोई सबक सीखे हैं, स्टेट ने हमारी कोई एथनिक आइडेंटिटी रिकग्निशन के हवाले से क्या कोई चेंज आई है, इंस्टीट्यूशनल कोई चेंज आई है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में? क्योंकि डिप्रिवेशन, मार्जिनलाइजेशन, डिस्पोजेशन, ये सारे वो इशूज़ थे जो कि बंगालियों ने फेस किए फ्रॉम 47 टिल 71. तो वो मेरी मोटिवेशन थी कि 71 के बाद ये देखना कि जी
क्या सिचुएशन या क्या हमें नज़र आता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और देखने में ये आया कि इमीडिएटली आफ्टर 71 दो साल बाद बलूचिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाती है, 80s में सिंधी नेशनलिज्म दोबारा जो है वो ज़ोर पकड़ता है, 90s में मुहाजिर एथनो नेशनलिज्म और NQM दोबारा ज़ोर पकड़ती है, और मैंने अपने थीसिस को इन तीन एथनिक मूवमेंट्स के हवाले से जो है उस पर फोकस किया। और अगर आप उस एनालिसिस को आगे बढ़ा लें, अगर एरा आगे बढ़ा लें, अगर आप उसको 2000-2001 पे ले जाएं, तो अब आपको बलूचिस्तान में भी इंसर्जेंसी, जो पांचवी इंसर्जेंसी है, वो नज़र आती है। तो 71 के बाद से हम ये देखते हैं और ये नज़र आता है कि वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हो रहा, बल्कि उसकी ट्रैजेक्टरी उसी तरह आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। जी सर, इसमें स्टेट का इस क्या रोल था, स्टेट और जो गवर्नमेंट्स रहीं, ठीक है, इन एथनिक जो ग्राउंड्स को एक्सप्लॉइट करने में स्टेट का क्या रोल रहा? देखिए, दो बुनियादी इसके आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आप एक इंस्टीट्यूशनलिस्ट आंसर दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशनलिस्ट आंसर ये है कि जी, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास कितनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, उनके पास कितनी फिस्कल ऑटोनॉमी है, और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है सेंटर पे, वो कितनी हद तक है या नहीं है, और स्टेट इन सारे चीज़ों को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जितने भी इंस्टीट्यूशनल जो हैं रिप्रेजेंटेशन को, उसको किस तरह मैनेज करता है, ठीक है। जिस तरह अगर ईस्ट पाकिस्तान का अगर आप जिक्र करें, ठीक है, तो जो एक सेमिनल आइडिया था जो पाकिस्तानी स्टेट मैनेजर्स ने इख्तियार दिया ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी को इक्वलाइज करने के लिए, वो वन यूनिट सिस्टम था, ठीक है जी। तो जी, आपने जो डेमोग्राफिक मेजॉरिटी थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसको इक्वलाइज कर दिया वन यूनिट के ज़रिए, ये कह के कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो दो सूबे हैं, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी असेंबली में वो इक्वल होगी, 150 सीट्स। हालांकि डेमोक्रेसी की रूह से ईस्ट पाकिस्तान की सीट ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दैट वॉज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर कंट्री, ठीक है। और 71 में जब आपने 70 में सॉरी जब आपने इलेक्शंस किए, तो तब आपने इस डेमोग्राफिक मेजॉरिटी प्रिंसिपल को इंक्लूड किया, द सीट्स फॉर ईस्ट पाकिस्तान वर 168, ठीक है जी। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए स्टेट्स जो है वो अपने एथनिक माइनॉरिटीज़ और उनकी रिप्रेजेंटेशन को या तो बेहतर तरीके से, या उनके ख्याल में कि जी अगर उसको रिप्रेस करना है तो वो इस्तेमाल कर सकती है। इन वन यूनिट इज़ यू नो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ हाउ द डेमोग्राफिक मेजॉरिटी, राइट, इन दिस केस ऑफ एन एथनिक माइनॉरिटी वाज डिनाइड। जो दूसरा है और जो कि उतना ही ज़रूरी है, वो एक उसकी आइडिएशनल साइड है स्टेट की, गवर्नमेंट की, कि वो क्या आइडिया प्रोजेक्ट करता है नेशनल आइडेंटिटी का, वो क्या आइडिया प्रोजेक्ट करता है डाइवर्सिटी के बारे में, वो क्या आइडिया प्रोजेक्ट करता है एथनिक माइनॉरिटीज़ और उनकी इंक्लूसिविटी के हवाले से। तो अगर हम पाकिस्तान की बुनियाद देखें 47 से, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि अगर हम एक जो स्पीच जिना साहब की बहुत लोग कोट करते हैं, वो 11th अगस्त 1947 जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी हिंदूज़ विल सीज़ टू बी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स विल सीज़ टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द पोलिटिकल सेंस, के ऑल विल बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और ये स्पीच को लिया जाता है कि जी ये एक लिबरल सेक्युलर पाकिस्तानी स्टेट की बुनियाद रख रहा है, ठीक है जी। अगर आप दूसरी तरफ देखें जिना साहब की स्पीचेस, तो एथनिक आइडेंटिटी के हवाले से उनकी जो स्पीचेस और स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी क्लियर है, और वो ये हैं कि जी बलोच, सिंधी, पंजाबी, पश्तून आइडेंटिटीज़ हैव टू गिव वे टू एन ओवर आर्चिंग पाकिस्तानी आइडेंटिटी। प्रोविंशलिज्म उन्होंने कहा कि कर्स है, एक ईवल है विच हैज़ टू बी नेप्ट इन द बड। बंगाली जो मेजॉरिटी थी उनकी जो लैंग्वेज थी उसको डिनाई कर दिया गया, उर्दू सिर्फ उर्दू जो है वो आपकी नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें, और ये क्यों किया गया दोबारा, क्योंकि स्टेट्स जो अपना नेशनलिज्म का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, अभी हम डेफिनेशनल इशूज की बात कर रहे हैं, कि स्टेट अपने नेशनलिज्म के प्रोजेक्ट को बड़े यूनिटरी टर्म्स में डिफाइन करती है कि जी वननेस, कॉमनैलिटीज़, के एक पाकिस्तानी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम इन डिबेट्स में जब हम यू नो एंड और दोबारा जो वेस्टफेलियन प्रोजेक्ट है स्टेट बिल्डिंग का, सोवरेनिटी बेस्ड, टेरिटरी बेस्ड, वो सारा एक यूनिटरी मॉडल, एक यूनिटरी आइडिया, एक यूनिटरी कॉन्शियसनेस ब्रीड करता है।
जिसमें नेशनल आइडेंटिटी इज एट द टॉप, इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड, इट हैज टू बी अबाइडेड बाय, एंड ऑल द एथनिक सो टू स्पीक आइडेंटिटीज हैव टू गिव वे टू दिस टोटलाइजिंग प्रोजेक्ट. तो वहाँ पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शुरू में जो डाइवर्सिटी को एक तरीके से रिजेक्ट किया, और एक क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है पाकिस्तान और ज़्यादातर ममालिक दुनिया में इसी किस्म के हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी एक प्रॉब्लम रहा है हमारे नेशन बिल्डिंग, नेशनल इंटीग्रेशन या इवन नेशनल आइडेंटिटी के क्राइसिस में, और वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है. अभी तक वो चलता हुआ आ रहा है कि वो जो डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस है, चाहे वो रिलीजियस हो, सेक्टेरियन हो, एथनिक हो, वहाँ पे कुछ बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनको हमें उबूर करना ज़रूरी है. सर, हमने रिलीजन को उस नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल जो एक आपने कहा कि यूनिटी की तरफ लेके जाने वाला जो प्रोजेक्ट था, उसमें रिलीजन को कितना यूज़ किया गया, और रिलीजन भी लेकिन उस डाइवर्सिटी को वो ओवरकम नहीं कर सका, उसकी क्या वजह? जी देखें, इट्स क्योंकि जो फाउंडेशनल आइडियोलॉजी पाकिस्तान की वो टू नेशन थियोरी थी. ठीक है जी, कि पूरा जो मुस्लिम लीग का प्रोजेक्ट था नेशनलिज्म का और नेशन बिल्डिंग का, वो इसके गिर था कि जी इस्लाम इज़ द ग्लू यू नो विच होल्ड्स द नेशन टुगेदर. और उस वक्त जो कॉलोनियल इंडिया में जो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो मूवमेंट थी, उसमें इस्लाम और मुसलमानों को जो है वो नारा लगाया गया एज एन आइडियोलॉजी, एज ए नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल किया गया. उसकी एक रिटोरिकल अपील है, उसकी एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है, उसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, उसकी एक जो नेशनलिज्म का प्रोजेक्ट है उसमें उसकी सिग्निफिकेंस है. बट एज अ सब्सटेंटिव एलिमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें आपके इदारे और आपकी सारी एजुकेशन में वो रिफ्लेक्ट हो, वो इस्लामिज्म, वो हमें नज़र नहीं आता. तो रिटोरिकली उसकी एक वैल्यू है कि वो इस्लाम जी इज़ द ग्लू विच बाइंड्स अस टुगेदर. ठीक है जी, लेकिन अदर देन दैट मेरे नहीं ख्याल प्रैक्टिकलिटी मेरी नज़र नहीं आता. उसकी एक सब्सटेंटिव वैल्यू है. और इस्लाम जो सब्सिक्वेंट जो हमारे लीडर्स थे, रूलर्स थे, चाहे वो मिलिट्री हों, पोलिटिकल हों, उन्होंने भी उसको रिटोरिकली इस्तेमाल किया और दोबारा इस्लाम को या उसके स्लोगनियरिंग को इस्तेमाल किया, इसलिए कि वो जो डाइवर्सिटी है सोशल लेवल पे एथनिक, उसको हम किसी तरह नलिफाई कर सकें, उसको हम किसी तरह ओवरराइड कर सकें. क्योंकि वहाँ से एक हमेशा एक ख़तरा महसूस हो कि जी ये सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज हैं, अलग हो जाएंगे, अलहदगी हो जाएगी, मुल्क टूट जाएगा. तो जो लीडर्स हैं, रूलर्स, अक्सर औकात और ज़्यादातर औकात वो इसी फियर में रहते हैं और रहे हैं और रहते भी हैं, और इसी फियर की बुनियाद पे वो अपनी पॉलिसीज तश्कील देते हैं, जो कि मेरा ख्याल है गलत नहीं होना चाहिए. जी सर, पोस्ट 71 उसमें हमने तो पॉलिसीज वही रखी. जी. सबसे पहला जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जो ऑपरेशन लॉन्च करवाया इन बलूचिस्तान, तो उसमें उसकी मेन रीजंस क्या थी उस ऑपरेशन की? जी. और उससे क्या रिजल्ट्स मिले? देखिए, बड़े ट्रेजिक है बलूचिस्तान की सिचुएशन. यानी जनरली अगर आप देखें, मीनिंग फिफ्थ इंसर्जेंसी है अभी, और हम प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं विच यू नो बिकम इररिजॉल्वेबल यू नो प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान द क्वेश्चन इज़ कि बलूचिस्तान में ऐसा क्या मसला है, या बलूचिस्तान की ऐसी क्या सूरत हाल है, या ऐसी कौन सी मुश्किल सियासी माशी कोई सूरत हाल है जिसको हल करना इतना मुश्किल हो चुका है. तो ये फिफ्थ इंसर्जेंसी, आई थिंक भुट्टो और ये भुट्टो साहब की सबसे बड़ी गलती थी मेरा ख्याल है वो बलूचिस्तान थी, और इस वजह से थी कि उन्होंने ऑपोजिशन को इनफैक्ट कभी एक्सेप्ट नहीं किया बलूचिस्तान में, जो नेशनल अवामी पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, जो कि बलूचिस्तान में भी मौजूद थी, और उस वक्त जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था. देखिए, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, इट वर्क्स बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज, एलीट कॉम्प्रोमाइज इफ यू विल. ठीक है जी, सो इफ द एलीट्स कैन ब्रिंग अ कॉम्प्रोमाइज इन टू प्लेस, डेमोक्रेसीज और पोलिटिकल सिस्टम्स विल बी स्टेबल. इफ दे डू नॉट डू सो, देन इनस्टेबिलिटी विल प्रिवेल.
ठीक है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की रूह से जाएं तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उस वक्त लोगों ने नेशनल अवामी पार्टी को वोट दिए, बलूचिस्तान में लोगों ने नेशनल अवामी पार्टी को वोट दिए, लेकिन क्योंकि एलीट लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट था और वो कॉन्फ्लिक्ट भुट्टो साहब की तरफ से ज़्यादा था, क्योंकि एक फियर यही था जो मैंने आपको बताया, वो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज कि ये जो बलोच नेशनलिस्ट हैं ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये सेपरेटिस्ट है, ठीक। और अगर आप ये एक साल डेढ़ साल अगर आप बलूचिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखें 72-73 में डिसमिसल होने से पहले, तो बड़ी प्रोग्रेसिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, यानी ये रेजोल्यूशन ले आए, ये सरदार ही थे सारे जिसमें गौसबख बिजन जो थे, खैरबख्श मर्री थे, अताउल्ला मेंगल थे, इन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया प्रोविंशियल असेंबली में कि जी सरदारी निज़ाम को बलूचिस्तान में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक। सरदार खुद ये कह रहे हैं ठीक। सो दीज वर यू नो आइडेंटिफाइड, क्योंकि वो मार्क्सिस्ट, वो लेफ्टिस्ट इनकी ओरिएंटेशन भी थी, ठीक। इट वॉज अ वेरी रेडिकल यू नो लेजिस्लेशन नंबर वन, और ये कहना, और वो भी सरदारों का, तो प्रोग्रेसिव एक हुकूमत थी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में होता है अनफॉर्चुनेटली कि ये एक्सपेरिमेंट्स सस्टेन नहीं होते, ठीक। तो एक साल बाद उस हुकूमत को भुट्टो ने डिसमिस कर दिया, ठीक है, ऑन द बेसिस के जी ये तैयारी कर रहे हैं अलहदगी की, ऑल्दो देर वॉज नथिंग टू सजेस्ट दैट देर वॉज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट गोइंग ऑन, ठीक है जी। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, ये सारे पोलिटिकल लीडर्स थे, ये सारे वो लोग थे जो इलेक्शन लड़ के आए थे, ठीक है जी। ये वो सारे लोग थे जो कि सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना बलूचिस्तान की में, कि सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहते थे बलूचिस्तान में, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस का, कॉम्प्रोमाइज़ का, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का, और ये फियर मेरे ख्याल में जो रूलिंग एलीट्स, जो फेडरल या सेंट्रल एलीट्स का होता है कि नहीं जी ये अलहदगी की तरफ जा रहे हैं और ये अलग हो जाएगा और वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी, और इसी फियर ने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। सर, जो राइज ऑफ सिंधी नेशनलिज्म था और सिंधु देश का एक नारा भी लगा उस टाइम पे, उसकी क्या वजूहत थी कि अब ये भी देखें कि सिंध जो है वो शुरू से ही उसने पाकिस्तान के साथ सिंध मिल गया जब पाकिस्तान उससे हुआ इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन ये क्यों वजूहत क्या थी कि पाकिस्तान ने उनको इस उस पे पहुंचा दिया कि वो सेपरेटिज्म की बात करने लगे? जी देखें, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई एक ओपनली सेसेशनिस्ट ओरिएंटेड एथनिक लीडर थे तो वो जी एम सैयद, ठीक। तो 72 में जब उन्होंने जी एस एन महाज बनाई तो उन्होंने कहा एक हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, और वो ऑब्जेक्टिव ये सिंधु देश, सेपरेटिस्ट और सिंधु देश हमें बनाना है, ठीक है जी। और इसी वजह से फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड वो जेल में भी रहे, हाउस अरेस्ट में भी रहे, बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे, ठीक है जी। बुनियादी तौर पे अगर हम थियोरेटिकली देखें, एथनिक लीडर्स, एथनिक मूवमेंट्स इसलिए जन्म लेती हैं जब उनको नज़र आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स उनके फेवर में काम नहीं कर रहा, पॉलिटिकल सिस्टम शायद कुछ जो एथनिक मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं उस टाइम पंजाब था, उस वक्त पंजाब, ठीक है, तो उनके फेवर में है, उनके बेनिफिट में है, तो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, ठीक है जी, यानी लैंग्वेज की भी रिकग्निशन नहीं है हमारे, ठीक है, हमारे कल्चर की भी रिकग्निशन नहीं है, ठीक है। हमसे ये कहा जाता है कि जी आप अपने आप को शायद फला फला एथनिक माइनॉरिटी से सिंधी, या आप अपने आप को बलोच या पश्तून ना कहें, पाकिस्तानी कहें। सो जो सिंधी जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस है वो हमें पहली दफ़ा यहाँ, यानी ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आती है यहाँ पे जी एस एन माज की शक्ल में। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिएगा कि जो सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसमें सिर्फ जीएम सैयद नहीं है, रसूल बख्श पलीजो साहब भी हैं, ठीक है, और उनकी अवामी तहरीक, और अवामी तहरीक जी एस सिंध महाज से पहले तश्कील दी गई। तो जो रसूल बख्श पलीजो हैं और उनकी सियासत अलहदगी की सियासत नहीं थी, वो यही चाह रहे थे कि हमें इधर ही राइट्स मिले, हमें प्रोविंशियल अटॉर्नी में रह के, ठीक है, प्रोविंशियल अटॉर्नी, बिल्कुल। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि जब एथनिक मूवमेंट्स या एथनिक लीडर्स या एथनिक माइनॉरिटीज़ पॉलिटिकल क्लेम्स करती हैं,
ठीक, तो वो किस किस्म के पॉलिटिकल क्लेम्स कर रही हैं? आज़ादी की बात कर रही हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, कन्फेडरल स्टेटस की बात कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, एक ही एथनिक ग्रुप के अंदर आपको ये पॉलिटिकल डिविजन्स मिल सकते हैं। तो आप कहीं सिंधी हैं, सारे सिंधी अलहदगी चाहते हैं? नहीं जी, सारे सिंधी अलहदगी नहीं चाहते। हाँ, ये एक लीडर हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी उस फैक्शन में, फैक्शन की जो सिंधी एथनिक ग्रुप की है, जो आज़ादी चाहती है। दूसरे चाहते हैं कि हम, हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले। इसी तरह बलोचों में हैं, इसी तरह पश्तूनों में, ठीक है जी। तो ये जो डिविजन्स हैं, इंटरनल डिविजन्स, जो पॉलिटिकल डिविजन्स होते हैं, ये भी बड़े अहम है समझना जब हम एथनिक मूवमेंट्स या एथनिक माइनॉरिटीज़ या इवन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं। सर, ग्रेटर जो पख्तूनख्वा का एक नारा रहा, और उससे सबसे पहले तो बादशाह खान जो थे वो नेशनलिस्ट थे जी, और पहले तो वो सेपरेशन वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो बने जी। और बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स भी थे जो कि नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने जी। लेकिन खैर, पाकिस्तान बन गया, और हमने जो पख्तूनख्वा के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके साथ जैसा ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद जो वहाँ की एथनो नेशनलिज्म की एक मूवमेंट राइज हुई, उसकी भी क्या यही रीज़न वजूहात थी कि वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे, और उनके बहुत सारे एरियाज़ थे जो कि फाटा के जिन के नाम से है, और उनमें वही लॉस थे जो कि कॉलोनियल लॉस थे जी, यही रीजंस थी जी या कोई और रीजंस थी? देखिए, जहाँ तक पश्तून बादशाह खान की आपने बात की, तो यानी एक क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा एक किस्म का, कि क्या वो वाकई में सेपरेटिस्ट थे? ठीक है, जिस तरह अकबर बुगती के बारे में, मीनिंग वॉज अकबर बुगती अ सेपरेटिस्ट? मेरे ख्याल में अकबर बुगती सेपरेटिस्ट नहीं थे, वो गवर्नमेंट का पार्ट भी रहे। ठीक है जी, गवर्नमेंट का पार्ट भी रहे, बट टिल हिज डाइंग डे ही वॉज ओपन टू निगोसिएशन विद द गवर्नमेंट। ठीक है, कि मामला जो है वो बातचीत के जरिए जो है वो तय हो जाए। ठीक है जी, इसी तरह बादशाह खान के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा कि वॉज ही रियली अ सेपरेटिस्ट? ठीक है जी, तो जो कम्युनिकेशन है अराउंड द टाइम एंड पार्टीशन टेक्स प्लेस बिटवीन हिम एंड जिना साहब, ठीक है, उसमें वो एक किस्म की हम गारंटी कह सकते हैं कि वो दे रहे हैं कि ही इज़ विलिंग टू वर्क विद इन द पाकिस्तानी स्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि उनकी पोलिटिकल अफिलिएशन इज़ डिफरेंट टू द अफिलिएशन ऑफ द पार्टी विच इज़ फॉर्मिंग पाकिस्तान, विच इज़ द मुस्लिम लीग। सो ही इज़ मोर टूवर्ड्स द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उनकी अपनी खुदाई खिदमतगार पार्टी है। ठीक है, उनका एक अपना विजन है पॉलिटिक्स का, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का, गांधी साहब को वो ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अगर आप पश्तून, अगर आप एथनिसिटी की बात करें, ठीक है, और अगर उसमें अगर आप देखें कि उनकी ट्रेजेक्टरी क्या रही है आफ्टर 47, आई थिंक द पश्तूनस जिसे हम अक्सर कहते हैं कि जी वो जूनियर पार्टनर्स बन गए ब्यूरोक्रेसी में और मिलिट्री में, एंड नाउ दे आर द जूनियर पार्टनर्स। तो जब 47 हुआ था तो महाजर्स वर द जूनियर पार्टनर्स, जो उर्दू स्पीकर्स थे जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस में आए। आई थिंक द पश्तूनस यू नो इन जो केपी में जो थे अभी के, आई थिंक दे टुक टू द प्रोफेशंस वेरी क्विकली, इन द सेंस के वहाँ पे एक मिडिल क्लास हमें बड़ी ज़बरदस्त डेवलप होती हुई नज़र आती है, जो कि एजुकेटेड है। ठीक है जी, जो बिजनेस ट्रेड और फाइनेंस में भी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, जो मेहनती भी है, राइट, यू पुट दैट इनटू इट एज वेल, अडॉप्टिव बहुत हैं वो जी। ठीक है ना, तो 47 के बाद जो वहाँ पे एजुकेशन जिस तरह हुई, एक मिडिल क्लास डेवलप हुई, तो वो मिडिल क्लास का रुझान आपको केपी में, NWFP/KP में, वो आपको बड़ा इंटीग्रेशनिस्ट नज़र आता है टुवर्ड्स द पाकिस्तानी स्टेट। इट इज़ नॉट अ सेपरेटिस्ट ट्रेंड दैट यू सी इन केपी लार्जली। ठीक है ना, ऑल्दो देर इज़ अ नेशनल अवामी पार्टी, वो नेशनल अवामी पार्टी वो एक कंग्लोमरेशन थी, उसे बंगाली भी थे, उसमें बलोच भी थे, सिंधी भी थे, वो सब बात कर रहे थे कि जी हमें एज माइनॉरिटीज़ हमें हकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान इज़ टू सेंट्रलाइज, पाकिस्तान इज़ टू यूनिटरी, ठीक है, पाकिस्तान इज़ टू डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री। हाँ, अयूब खान की रजीम थी एंड ऑल ना, मिलिट्री डोमिनेंस थी, जमहूरियत चाहिए हमें, अपने हकूक चाहिए। ठीक है जी, तो जो केपी में जो हमें ट्रेंड नज़र आता है आफ्टर 47, वो एक बड़ा इंटीग्रेशनिस्ट ट्रेंड है, और ये अक्सर मेरे ख्याल एनालिसिस में हम इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हम एक बड़ा सेपरेटिस्ट, नहीं जी वो ग्रेटर पख्तूनख्वा, क्योंकि वो स्टेट का फियर है।
स्टेट का वो फियर है कि नहीं जी ये अलग हो जाएंगे और ये ड्यूरेंट लाइन एंड द ड्यूरेंट लाइन यू नो कॉन्फ्लिक्ट इज आई थिंक इट इज एज सिमिलर टू द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हल ही नहीं हो पा रहा अभी तक है ना तालिबान आ गए हैं और ये भी हो गया है वो भी हो रहा है एंड एंड व्हाट इज इट दैट यू नो प्रिवेंट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट अभी तक वही इनसिक्योरिटीज हैं हमारे अभी तक वही फियर्स हैं हमारे कि द पश्तूनस विल यू नो सेपरेट एंड विल बिकम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान दिस ग्रेटर अफगानिस्तान लेकिन दोबारा हमें मेरा ख्याल है केपी में हमें वो इंटीग्रेशनिस्ट ट्रेंड नहीं उसको मीनिंग दैट्स द मोर सब्सटेंटिव यू नो फैक्ट अबाउट केपी ठीक है तो अब जो पार्टी है फर्स्ट करें वहाँ पे जो कि 2013 से पीटीआई है वहाँ पे ठीक है ना दी तो जो ट्रेंड है वहाँ पे वो इंटीग्रेशनिस्ट ही है ठीक है पीपल वोट फॉर पार्टीज बिकॉज देयर फ्यूचर्स आर लिंक्ड विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट ठीक है ना देयर नॉट सेइंग कि हमें सेपरेटिस्ट या हमें किसी और मुल्क का हिस्सा जो पीटीएम भी है अभी जो पीटीएम एक देखें वो भी तो ये चीज नहीं डिमांड कर रहे कि आप हमें सेपरेट एक उसकी तरफ या और जो वो सिर्फ यही कह रहे हैं एक तो वो पीस डिमांड कर रहे हैं जी और वो कह रहे हैं दूसरा ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी उन वहां पे जो है वो मिलिट्री की जो है वो इतना ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए और उनकी लैंड को यूज नहीं होना चाहिए और उनके लोगों को ऐसे नहीं यूज होना चाहिए जैसे कि हमने जो यूएसएसआर के टाइम से हम उनके साथ कर रहे हैं बिल्कुल जी देखिए ना यानी बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका कि पीटीएम को अगर हम देखें अभी एक बड़ी नॉवल मीनिंग इट स्टार्टेड ऑफ एज अ सोशल मूवमेंट जी ठीक है नाउ इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल यू नो पार्टी अब तो वो अलग हो के वो एनडीएम नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी उनकी बन गई है ठीक है तो अगर हम पीटीएम को भी देख लें तो पीटीएम के जो इश्यूज उन्होंने रेज किए वो बड़े लोकलाइज थे वो एक्स फाटा रीजन के हवाले से जो वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस हुई उससे जो इकोनॉमिक डिसलोकेशन हुई है उससे जो डिसपोजेशन हुई है लैंड की उससे जो एक इन्फिल्ट्रेशन हुआ है नॉन स्टेट एक्टर्स के एक्सट्रीमिस्ट एक्ट लोगों की लाइव्स जो है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गई तो वहाँ से उन्होंने फिर जो है वो फिर माइग्रेट किया और वो दूसरी तरफ आ गए अगर आप पीटीएम की स्लोगनियरिंग देखें यानी द पीटीएम विच इज़ मंजूर पश्तीन उसमें भी हमें एक इमोशनल सिम्बॉलिक स्लोगनियरिंग नज़र आती है पख्तूनिस्तान की और अफगानिस्तान की और अफगान्स की ठीक है जी और मेरा ख्याल में उसको हमें थोड़ा सा रैशनली देखना चाहिए इस सेंस में कि ये कितना रियल है कितना डूएबल है और कितना सिम्बॉलिक है ठीक है तो वो उसकी एक सिम्बॉलिक अहमियत है कि जी एक इमोशनल क्योंकि इंसान इमोशनल बीइंग भी है ना सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल बीइंग तो नहीं है बट स्टिल द पीपल ऑफ दैट रीजन यू नो देयर रियल इश्यूज जो आपने सारे बयान किए वो सारे जो हैं वो रिलेटेड हैं पाकिस्तानी स्टेट से तो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो इमोशनल स्लोगन्स इस्तेमाल भी कर रहे हैं ठीक है और एक बड़ी एक नाइव एक हम अजम्पशन ले लें लेकिन ले लें कि स्टेट अगर उन मसलों को हल कर देता है उनकी सोशल डिसलोकेशन को इकोनॉमिक डिसलोकेशन को पॉलिटिकल एलियनेशन को ठीक है एक उन्होंने एक सिम्बॉलिक कर दिया है कि जी उन्होंने अब एक्स फाटा रीजन को केपी का हिस्सा बना दिया अब जो एफसीआर या जो रेगुलेशंस हैं वो एक तरीके से अब वहाँ पे ख़त्म हो गई इफ दैट प्रोसेस कंटिन्यूज एंड इट कंसोलिडेट्स राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द इम्पेरेटिव ऑफ द स्टेट दीज पीपल विल सी द बेनिफिट्स एंड be attracted towards the state you know rather than being pushed towards the other side right when those rights and privileges and benefits do not come that is when people raise those you know emotional symbolic slogans aur phir problem ye hai ki wo state jo elites hoti hain wo phir unhi slogans mein phans jati hain wo kehti hain dekhen ye ji ye koi greater pakhtunistan ya afghan ya phir ye एक आज़ाद बलूचिस्तान ये एक आज़ाद सिंध की बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग ये कि ये क्यों कर रहे हैं ये बात देयर मस्ट बी अ रीज़न नो के और वो रीज़न इसमें कि जी वो देख रहे हैं कि ईयर आफ्टर ईयर जो उनको सोशल इकोनॉमिक
जो इंसेंटिव स्टेट की तरफ से जो मिलने चाहिए, जो उनको गुड्स मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, एंड दैट इज व्हाई दे मेक सर यही बात है ना कि देखें अगर एक फाटा में एक बंदा है और वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखता है जी, ठीक है, व्हाई वुड ही गो टुवर्ड्स काबुल रादर देन मूविंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद या वहीं पे उसको कुछ मिल जाता है, तो ये तो रैशनल है जी जी बिल्कुल, मीनिंग यू नो लुकिंग एट अफगानिस्तान नाउ, ठीक है, मीनिंग स्पेशली इन द लास्ट 40 इयर्स, मीनिंग इट हैज नथिंग टू डू विद अफगानिस्तान बट इट हैज ऑल टू डू विद ऑल द सुपर पावर इन्वेजन्स दैट हैव कम टू दैट अनफॉर्चुनेट कंट्री, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स विद इन अफगानिस्तान के इंटरफियरेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, मीनिंग फॉर एनी नंबर ऑफ पीपल यू नो अफगानिस्तान बीइंग व्हाट इट इज टुडे, यू नो फेल्ड स्टेट, फेलिंग स्टेट, the power of attraction of a failed and failing state will not push people towards Afghanistan, no? Yeah. They will push them towards, you know, Pakistan, kyunki, you know, this is where social economic goods can, wo zyada behtar tarike se hasil kar sakte hain, theek hai na, rather than becoming part of a state which is actually, you know, failing, ji. Sir, the way we treated Bacha Khan aur Akbar Khan Bhukti jo the, तो आप समझते हैं कि स्टेट ने वो नेशनलिस्ट, उसके बाद से जो आप कह रहे थे कि जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, वो फिफ्थ इंसर्जेंसी है, उसका राइज हुआ, और बाचा खान के चलो केस में इस तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से हमने उनको ट्रीट किया, वाज दैट फेयर? बाचा खान को या अकबर खान बुगटी? जी देखें, मीनिंग अगेन इट्स अ ट्रेजेडी, बलूचिस्तान इज अ ट्रेजेडी, एंड वॉट हैपन्ड विद अकबर बुगटी इज अ ट्रेजेडी, ठीक है, और इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा कि हमें ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा कि वेदर ही वॉज अ सेपरेटिस्ट, ठीक है, एंड अप अंटिल हिज डाइंग डे, ठीक है, उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान की बात नहीं, वॉज नहीं की हुई, वॉज ओपन टू निगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट, जो प्रॉब्लम था वो दोबारा स्टेट एलीट की तरफ से था, ठीक है जी, कि अगर आप मुशर्रफ के स्टेटमेंट्स देखें, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के स्टेटमेंट्स देखें उस ज़माने में, तो उन्होंने टीवी पे आके कहा कि जब रेजिस्टेंस शुरू हुई और जो लोकल लेवल कॉन्फ्लिक्ट से वो शुरू हुए, तो और वो लोकल लेवल कॉन्फ्लिक्ट था क्या, ये भी बड़ा ज़रूरी है, वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू ऐसे हुआ कि जी उन्होंने डिमांड किया अकबर बुगटी और बलोचिस्तान, और ये हमेशा से डिमांड है कि जी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि PPL और जो स्वी सदन गैस में काम करते हैं, वहाँ पे बलोचों का कोटा होना चाहिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, दैट इशू बिकेम एन इशू विच वॉज नॉट रिजॉल्व, एंड दैट इशू बिकेम एन इशू ऑफ द नेशनल रेजिस्टेंस ऑफ द बलोच, एक्चुअली दैट वॉज लेजिट वो कह रहे थे, ठीक है, तो एक लोकल इशू एक कौम की अब आजादी का इशू बन गया बलोचों की, ठीक, मीनिंग क्या मसला था उसमें कि वो ना रिजोल्व हो पाए, ठीक, लेकिन क्योंकि दोबारा एलीट कॉम्प्रोमाइज नंबर वन, और फिर सेंट्रल एलीट्स किस तरह उसको देखते, तो वो सेंट्रल एलीट्स हैव यू नो ईगो ड्रिवन, पावर ड्रिवन, सोवरेनिटी ड्रिवन, नेशनलिज्म ड्रिवन, ऑनर ड्रिवन, ठीक, तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ आए जी टीवी पे और उन्होंने कहा कि जी दिस इज नॉट द 70s, ये 70 की इंसर्जेंसी नहीं है, द बलोच विल नॉट इवन नो व्हाट हैज हिट देम, This one is serious. ये दूसरी है, ठीक है जी, तो एक वाकया कोट किया जाता है जिससे अकबर खान बुगटी बड़े नाराज हुए, और वो ये था कि जी कुछ यानी जो थे मुशाहिद हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन वर सेंट एज इंटरमीडियरीज बाय द स्टेट टू नेगोशिएट विथ अकबर बुगटी, और कहते हैं कि वो एयरपोर्ट पे आए, यानी ये जो और कहा गया उनसे कहा गया कि जी आप एयरपोर्ट पे आएँ और प्लेन आ रहा है, एंड यू नो द स्टेट और जनरल मुशर्रफ इज सेंडिंग अ प्लेन, और फिर आपको हम इस्लामाबाद लेके जाएंगे और फिर निगोशिएशन होगी, सो ही वेंट ओवर देयर, ही सैट एट द एयरपोर्ट, द प्लेन नेवर केम, ठीक है, और फिर उसने कहा, और फिर अकबर बुगटी ने कहा, उनके बेटे भी कोर्ट करते हैं जी, तो उन्होंने कहा ये जो है ना ये तजलील हुई है मेरी, ठीक है, तो हिज ऑनर, हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, हिज डिग्निटी वॉज बेसिकली डिनाइड एट दैट मोमेंट, एंड दैट इज हाउ वी इंटरप्रेटेड, और उन्होंने कहा नहीं जी स्टेट सीरियस नहीं है बात करने में, स्टेट इंटरेस्टेड है फोर्स इस्तेमाल करने, और यही किया स्टेट ने, उन्होंने फोर्स इस्तेमाल किया, और उन्होंने सोचा कि जी मार देंगे अगर अकबर बुगटी को तो जी ये मसला हल हो जाएगा, और उन्होंने मार दिया अगस्त 2006 में, और 2006 से
और 2023 आज 17 साल हो गए एंड दैट इंसर्जेंसी, अब आप उसको कह लें ठीक है लो इंटेंसिटी है, गुरिल्ला वॉरफेयर है लो इंटेंसिटी, बट पीपल देयर आर बीइंग रेडिकलाइज्ड यू नो टुडे एज इंसर्जेंट्स. पिछले साल यंग लोग हैं, यंग लोग, ठीक है. पिछले साल आपने देखा होगा शरी बलोच का वाकया हुआ था कराची यूनिवर्सिटी में. 2020 में आपने देखा होगा कायदे आजम यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स थे शहदाद और एहसान, जो कि हफीज, वो तो शहदाद और एहसान तो मारे गए, मीनिंग देवर वो बीएलए के लिए लड़ते हुए मारे गए. हफीज वॉज पिक्ड अप यू नो व्हाइल ही वॉज इम्पार्टिंग एजुकेशन इन खुजदार, ठीक है. बट स्टूडेंट्स, और ये एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, शरी बलोच यू नो मिडिल क्लास, अगर आपने वो वीडियोज फैमिली की, ठीक है. अब आप अब देखें ये जरूर, अब आप कहते हैं कि जी पीपल हु आर मटेरियली सेटिस्फाइड दे विल नॉट गो टुवर्ड्स एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज और मिलिटेंट टेंडेंसीज और इवन यू नो दीज नेशनलिस्ट टेंडेंसीज. एंड शरी बलोच शी इज हैप्पीली मैरिड, शी हैज टू चिल्ड्रन, हाँ शी इज मिडिल क्लास, शी इज नॉट यू नो फ्रॉम अ सरदार फैमिली, एम फिल कर रही है अपना कराची यूनिवर्सिटी से, खुद उसकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आइडियोलॉजिकली यू नो शी इज एलियनेटेड, ठीक है जी. तो मटीरियल सेटिस्फैक्शन और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स होने के बावजूद वो फिर भी इस चीज में, इसका मतलब आइडियोलॉजी इज वर्किंग, आइडियोलॉजी भी बट साइकोलॉजिकली यू नो व्हेन दे आर थिंकिंग साइकोलॉजिकली दे आर एलियनेटेड कि जी मेरी कॉम जो है वो डिप्राइव्ड है. And that is what motivated her to commit that kind of act that she did. और बहुत सारे students हैं, young लोग हैं जो कि इस तरफ ये सोच रहे हैं. जी 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 बिल्कुल, वो माइल हो रहे हैं इस तरफ, ठीक है जी. अभी एक और वाक्या हुआ था कुछ अरसे पहले जिसमें एक और खातून को स्टेट ने अरेस्ट किया और उन पर यह था कि जो है वो शायद शी वॉज बींग प्रिपेयर्ड टू बी अ फीमेल सुसाइड बॉम्बर, ठीक है. तो वो जो अकबर बुगटी का जो एक वाक्या है और स्टेट का ये सोचना कि जी हम इनको कत्ल करके मार के मसला हल कर लेंगे, आपने मसले को और ज़्यादा पेचीदा, मुश्किल और ख़राब कर दिया, ठीक है जी. तो ये मेरे ख्याल में जी हाँ सोचने की ज़रूरत है. सर आफ्टर पार्टीशन जो था, बहुत सारे लोग जो आए वहाँ से, उस टाइम पे तो मतलब कि देव ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में जाएंगे जी. लेकिन उसके बाद उनको भी हमने इस तरह से एलिनेट किया कि दे लाइक वो फोर्स हो गए कि दे हैव टू मेक इट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, जो मुहाजिर उसके एलिमेंट जी. उसने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से, या उससे पहले एक स्टूडेंट विंग भी था उसका जी. जो कि जी जी, तो उसकी क्या वजह थी कि ये एम क्यू एम तश्कील हुई जी. देखिए जो जो उर्दू स्पीकर्स जो पार्टीशन के बाद आए पाकिस्तान, सीपी, यूपी और बाकी जो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस से, उनकी बड़े मोटिवेटेड था आइडियोलॉजिकली और उनके अंदर जो मुस्लिम आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस थी वो बहुत कूट कूट के भरी हुई थी. एक पाकिस्तानी जो आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है वो भी बड़ी उनके अंदर मजबूत थी और इसी बुनियाद पे उन्होंने वहाँ से फिर हिजरत भी की. ठीक, जब वो पाकिस्तान आए तो वो थोड़ा सा एक आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए, ठीक है, कि जी कि मीनिंग हु आर दे इन एन एथनिक सेंस, कि जी सिंधी हैं और बलोच हैं और पंजाबी हैं और सराइकी हैं और बाकी, मीनिंग हु डू यू कॉल दीज पीपल, ये कौन है, ठीक है जी. तो जो सेल्फ डेफिनेशन होती है वो बड़ी अहम होती है कि एक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, एथनिक कम्युनिटी, वो अपने आप को किस लकब से पुकार रहा है या आइडेंटिफाई करवाना चाहता है. तो जो 50s और 60s है, तो उस वक्त जब था जो पाकिस्तान था तो उसमें वो ये था कि जी मुख्तलिफ किस्म के नाम थे, भाई पना गुजीर है, कोई कहते महाजिर हैं, कोई कहते हिंदुस्तानी हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान से आए हैं, मुख्तलिफ अलकाबात थे. और जब आप मुहाजिर जो पॉपुलेशन थी जो कराची में, जो सिंध में सेटल्ड थी, जो कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास इन इलाकों में थी, दे वुड रिप्लाई एंड से कि जी हम पाकिस्तानी हैं, ठीक. लेकिन 70s में जाके उनको नज़र ये आया दो तीन इवेंट्स के बाद,
एक तो ये कि जी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 71-72 में, उन्होंने एक सिंधी लैंग्वेज बिल इंट्रोड्यूस कराया प्रोविंशियल असेंबली में, कि जी सिंधी लैंग्वेज जो है वो एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है, ठीक है, अब ये ज़रूरी है समझना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है, आर्टिकल 251 है क्लॉज 3 इस तरह, वो ये कहता है कि जी आप प्रोविंशियल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोविंसेस अपनी लैंग्वेज को खुद इख्तियार दे सकते हैं जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक दफातर में इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है जी। तो जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने कहा नहीं, ये तो नुकसान हो गया हमारा, और ये कि जी अब एक सिंधी जो कॉन्शियसनेस या जो सिंधी आइडेंटिटी है वो परवान चढ़ी, हम मिनिमाइज, क्लासिक सिक्योरिटी डायलेमा, हाँ, तो द सिक्योरिटी ऑफ वन एथनिक ग्रुप बिकम्स द इनसिक्योरिटी ऑफ द अदर, एक चीज़ ये थी। दूसरा कोटा सिस्टम था जिसमें जो है वो सिंध रूरल और अर्बन का एक डिस्टिंक्शन किया गया, जो कि दोबारा भुट्टो साहब जो वो लाए थे। तो बाई द एंड ऑफ द 70s वो एक एंटी सिंधी, लेट्स पुट इट दैट वे, एक एंटी पीपल्स पार्टी, और वो आज तक भी बड़ा मौजूद है कराची में क्योंकि वो एक सेंस ऑफ एलियनेशन अभी तक है। तो वो दैट प्रेसिपिटेटेड यू नो दिस राइज ऑफ एन एथनिक आइडेंटिटी कॉन्शियस। अच्छा जी, अब ये है कि सेल्फ डेफिनेशन क्या है, नो व्हाट इज हाउ डू दे डिफाइन देमसेल्व्स। तो जो ये तो अल्ताफ हुसैन, तारिक जावेद, इमरान फारूक, फारूक सत्तार, ये कराची यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि जी हम मुहाजिर, ठीक है, कि वी वुड लाइक आर सेल्व टू बी कॉल्ड एज मुहाजिर्स। तो उन्होंने फिर ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी कराची यूनिवर्सिटी में June 1978 में, ठीक। और याद रहे इसकी पोलिटिकल कॉनोटेशन थी, मीनिंग अल्ताफ हुसैन वॉज बॉर्न इन कराची, ठीक है ना, तो इन्होंने हिजरत नहीं की थी, इनके वालदैन ने, ये वो जनरेशन है, पहली जनरेशन है जो पाकिस्तान में पैदा हुई। तो वहाँ से ये मूवमेंट, ये आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस परवान चढ़ी, और उनका ये था कि जी जो कोटा सिस्टम है इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टूवर्ड्स द मुहाजिर्स, क्योंकि वो अब एक कोटा आ गया है अर्बन रूरल सिंध का, और उनकी रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में मिनिमाइज होगी, एंड दैट लेटर ऑन वेंट ऑन एंड क्रिएटेड व्हाट इज़ कॉल्ड एज द MQM, ठीक है, 1984 में जी। तो ये इसके जेनेसिस। सर, आप भी उस टाइम पे वैसे कराची में ही जी, होंगे जी, तो आपने अल्ताफ हुसैन उस टाइम, वर यू पार्ट ऑफ द MQM या नहीं? नो, नेवर। देखिए, जो MQM की सियासत थी, यू नो टू बी वेरी फ्रैंक, वो बड़ी एक मिलिटेंट सियासत थी। अच्छा, ठीक। क्योंकि मूवमेंट्स में होता है, लीडर्स में होता है, पार्टीज में ये होता है कि वो बहुत सारे औकात में, और ख़ास तौर पे ये एथनिसिटी से रिलेटेड मेरे ख्याल में ज़्यादा में होता है कि उनमें एंग्जाइटीज़ होती हैं, कुछ गम होता है, गुस्सा होता है, फियर भी होता है, ठीक है जी। और जब ये सारी वेरिएबल्स या ये सारी साइकोलॉजीज़ जब किसी एथनिक ग्रुप या किसी एथनिक मूवमेंट की तश्कील होने में जिनका बड़ा अहम किरदार हो, तो उन मूवमेंट्स की फिर जो आउटवर्ड पॉलिटिक्स होती वो भी फिर वायलेंट होती, ठीक। सो द MQM वाज, यू नो, द होल एंटायर मुहाजिर स्लोगन वाज बेस्ड अराउंड दीज एलिमेंट्स, कि जी इनखला हो रहा है कराची में नॉन मुहाजिर्स, दीज नॉन मुहाजिर्स विल टेक ओवर। पठान आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज you know Karachi is the meaning up until today you know the primary economic, you know, urban economic hub aapka wo Karachi hai, theek hai ji. Acha ji, police hai that is dominated by the non muhajirs, aur wo usse jo hai wo muhajirs ko suppress kiya jata hai, theek hai ji. Transport industry hai that is dominated by the non muhajirs, theek hai. To jo pehla waqia tha April 1985 mein Bushra Zaidi ka, वो जो एक्सीडेंट था विच कैटापल्टेड द राइज ऑफ द मुहाजिर एथनिसिटी एंड विच वॉज यूज बाई द MQM टू कंसोलिडेट द मुहाजिर एथनो पोलिटिकल मूवमेंट एंड स्लोगन, वो यही था कि वो जो बस ड्राइवर थे, वो खैर वो उससे हुआ ये कि मुहाजिर पठान राइड शुरू हो गए कराची,
लेकिन जो ड्राइवर थे वो पश्तून नहीं थे, वो पंजाबी थे, इनफैक्ट कश्मीरी थे, कश्मीरी पंजाबी थी उनकी एथनोसिटी, ठीक है, बट सिम्बोलिकली ये था कि नहीं, यू नो द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज इन द हैंड्स ऑफ द पश्तूंस, तो वो सारा जो गुस्सा था वो आपस में उस राइट्स की, वो राइट्स की शक्ल में वो निकला. तो जो जो वायलेंस है, एथनिक वायलेंस जो हमें एनक्यूएम में पहले मुहाजिर पश्तून, फिर हमें मुहाजिर सिंधी, ठीक है, मीनिंग देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर इट एट अ रैशनल लेवल. हाँ ये उस, लेकिन सर हाँ वो वायलेंट कितना ज्यादा था उस टाइम पे, मीनिंग इट वाज ब्रूटल. वर यू इन कराची? जी जी, मीनिंग आई वाज वेरी यंग एट द टाइम, लेट 80s, यू नो मेरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उस तरह की नहीं थी कि मैं यानी ये जज कर सकूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट आई कुड सी दैट द वायलेंस वाज रियली ब्रूटल एंड द पीपल ऑफ द कराची वर अफेक्टेड. ठीक है कि यानी कुछ इलाके थे कराची में जहाँ पे मुहाजिर आबादियाँ थी, जहाँ पे पश्तून आबादियाँ थी, वो घरों में घुस घुस के लोगों को मारा गया है, ठीक है, क्योंकि जब एथनिक वायलेंस होता है वो फिर ये बड़ा ब्रूटल, वो एक जेनोसाइडल शक्ल इख्तियार कर जाता है. बट इफ़ आई लुक बैक ऑन इट कि जी उसकी देयर इज नो रैशनल बेसिस टू इट एक्सेप्ट दैट इट वॉज मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस. क्या फ़ायदा हुआ उसको, किसको फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है. एंड कराची फर्दर वेंट डाउन द ड्रेन. अच्छा जी, पार्टीज करती ये क्यों हैं, एनक्यूएम ने ये क्यों किया, क्योंकि दैट हेल्प्स देम कंसोलिडेट इंटरनली कि जी कौम को ख़तरा है, मुहाजिर कौम को ख़तरा है, ठीक है, मुहाजिर ऑनर डिग्निटी को ख़तरा है, ठीक है जी, किन से ख़तरा है जी, नॉन मुहाजिर पश्तूनों से ख़तरा है, पंजाबियों से ख़तरा है, ठीक है, सिंधियों से ख़तरा है, ठीक है जी. तो वो इंटरनल कंसोलिडेशन के लिए वो ये स्लोगन हियरिंग, बट इन टर्म्स ऑफ अ रैशनल जस्टिफिकेशन, मीनिंग एब्सोल्युटली यू नो इट वाज जस्ट कंप्लीट मैडनेस. सर लेकिन ये भी कहा जाता है कि एट दैट टाइम जो वो थे जनरल ज़िया थे, ही सपोर्टेड अल्ताफ हुसैन एज वेल, क्योंकि वो एमआरडी के अगेंस्ट, जी जी वो उस वो, लेकिन वो एलिमेंट तो ऑलरेडी था जिसको लेकिन सपोर्ट किया गया बाय जो आपका एक डिक्टेटर है जी. तो स्टेट की तरफ से भी मतलब समझ लें कि एक वहां से भी लोगों ने उस चीज की और, लेकिन ये भी मुझे बताएं कि जो अल्ताफ हुसैन करिश्मा था उस टाइम पे वो कितना एक जी जी. देखें यानी जो ये पहला वाला आपका सवाल कि जनरल ज़िया और उनका और उनकी एक मैनिपुलेशन कि उन्होंने एमक्यूएम का जो सबसे बड़ा जलसा था, जिस जलसे ने एमक्यूएम को लॉन्च किया कराची में, वो एमक्यूएम बनने के 2 साल बाद आए 86 में, ठीक है जी. तो एमक्यूएम बनी 84 में, द जलसा दैट लॉन्च दी एमक्यूएम जो निश्तर पार्क में हुआ वो 86 में, जिसमें अल्ताफ हुसैन ने अपनी एक फेमस तकरीर की और उसमें उन्होंने मुहाजिर स्लोगन हियरिंग और उसकी बात की. तो उस वक्त ये था यानी जो एक आर्ग्यूमेंट था या जो आप किताबों में पढ़ते हैं कि जी इतना बड़ा जलसा कैसे कर लिया एक पार्टी ने, ठीक है जी, जब एक मिलिट्री डिक्टेटर है, सो देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन, यू नो, एंड टू अंडरकट दी एमआरडी. तो जी हाँ बिल्कुल, यानी ये एक 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 जो है वो आर्ग्यूमेंट यू नो है, मे बी उसकी वैलिडिटी भी है, हो सकती है इन ऑर्डर टू अंडरकट दी एमआरडी. बाकी सारे तो अलाउ नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि रियल ऑपोजिशन जो थी वो जनरल ज़ियाउल्लाह के लिए वो एमआरडी और पीपल्स पार्टी, दैट वाज बीइंग क्रश्ड. बिल्कुल जी. और उस जमाने में अगर आप देखें तो इवन एमक्यूएम और जो जीएसएन महाज थी, जीएम सैयद, उनके दरमियान में भी कुछ अरसे के लिए एक अलायंस आया था, और वो अलायंस इस वजह से था बिकॉज बोथ वर एंटी पीपीपी, तो इवन जीएम सैयद वाज एंटी पीपीपी, ठीक है जी. तो ये उसकी वो थी. सॉरी, दूसरा सवाल आपका क्या था, आपने जो के अल्ताफ हुसैन करिश्मा के, अगर अल्ताफ हुसैन 10 मिनट चुप करके ठहरा रहा और उसने बाद में कहा कि खामोश जी, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. देखें, लीडर्स का यू नो ये करिश्मा होता है, एंड देर आर दीज करिज्मेटिक लीडर्स, यू नो, एंड अल्ताफ हुसैन हैड दैट पर्सोना, ठीक है, और वो पर्सोना उनके जो जो करीबी पार्टी के लोग थे उन्होंने
बहुत हद तक उसको मैन्युफैक्चर भी किया, कंस्ट्रक्ट भी किया ओवर द इयर्स, मीनिंग आफ्टर द एपीएमएसओ वाज फॉर्मड इन 1978. सो यस, दैट वाज यू नो मीनिंग हमारे यहाँ ये होता है कि पार्टीज़, यानी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और भी कंपेरेटिव एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, कि पार्टीज़ को हम बड़ा स्ट्रांगली एक लीडर से आइडेंटिफाई करते हैं, और वो लीडर्स यूजुअली आर दी आइडेंट, तो पीटीआई इमरान खान है, पीएमएल तो नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी तो भुट्टो है, ठीक है, नीचे ले जाएं एनक्यूएम है तो अल्ताफ हुसैन है, अवामी नेशनल पार्टी है तो वली खान और उसके बच्चे हैं, ठीक है, टीएलपी है, ठीक है, तो रिजवी साहब हैं, ठीक है, सब में सब कैरिज्मेटिक है, यू नो, इन देयर ओन वेज, और उनकी फिर लेगेसी चलती है जो पार्टीज को फिर सस्टेनेंस देती है. इज दिस अ ग्लोबल फिनोमेना या ये पाकिस्तान? देखिए, मीनिंग कंपेरेटिव एग्जांपल्स आपको, मीनिंग देयर आर यू नो पार्टीज एंड देयर आर लीडर्स हु आर दैट वे. ठीक है जी, अर्दोगान है टर्की में, ठीक है ना, मीनिंग ही इज द वन हु इज रनिंग द एंटायर शो नाउ. प्रिंस सलमान है, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान, खैर उनकी वो पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, मीनिंग इट्स अ किंगडम दैट इज हेडिंग. मोदी हैं बीजेपी, ठीक है, वहां पे बोल्सोनारो हैं ब्राजील में, तो ये लीडर्स होते हैं जिनकी, पॉपुलिस्ट लीडर्स जिसे हम कहते हैं. लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि वो पॉपुलिस्ट लीडर्स के अलावा पार्टी आइडेंटिफिकेशन भी जो है हमारे यहाँ, हमारा पॉलिटिकल कल्चर कुछ इस किस्म का है कि वो लीडर्स से होती है. मीनिंग एनक्यूएम, यू नो, अल्ताफ हुसैन इज स्टिल गोन, यू नो, इज नॉट, लेकिन वो अल्ताफ हुसैन फैक्टर, यू नो, इट्स स्टिल देयर, यू कैन नॉट जस्ट completely minus it. So yes, meaning in terms of his, you know, जो उनकी speeches थी, जो mobilization थी, और उसकी जो emotional appeal थी उस slogan की, मुहाजिर slogan की, late 80s में, early 90s में, वो बड़ी मजबूत थी. फिर जब state operation हुआ कराची में, तो वो जो emotional appeal थी उस मुहाजिर slogan की, वो और consolidate हुई, ठीक है. लेकिन ओवर द इयर्स मेरे ख्याल में कराची में वो अब रिलेटिवली इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट यूज टू बी इन द 80s एंड 90s. मेरे ख्याल में उसमें अब एक चेंज आ गया उस स्लोगन में, मुहाजिर स्लोगन में, और उसकी इमोशनल अपील में. और उसकी वजह ये है, इफ आई कैन क्विकली आंसर दिस, के अगर आप 2013 के इलेक्शंस देखें, आई थिंक दैट दैट वॉज अ वॉटरशेड मोमेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ कराची. When 1 million votes came to PTI, 10 lakh vote जो है वो PTI को मिल गए. And this tells you के ethnic movements या ethnic parties के जो slogans होते हैं वो कुछ लम्हे के लिए, कुछ साल, वो साल अब 10 भी हो सकते हैं, 20 भी होते हैं, 30 भी, जितने साल हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब उन slogans की appeal इमोशनल पॉलिटिकल कम हो जाती है. सो द एमक्यूएम वाज लाइक दैट द मुहाजिर्स आर अ डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी, दैट द मुहाजिर्स आर अ विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी, मुहाजिर्स आर एन ओप्रेस्ड कम्युनिटी, ठीक है, एंड द एमक्यूएम इज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ दिस ओप्रेशन एंड विक्टिमाइजेशन. सो एट दैट टाइम, ठीक है, अब मैं उस कराची की बात कर सकता हूँ बिकॉज देन आई वॉज देयर, एंड यू नो ऑफकोर्स टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी एंड लुकिंग एट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो चुकी थी पूरी तरह, ठीक है ना, कि अब समझ सकूँ. सो पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन द एमक्यूएम एट द टाइम कि जी आप प्रोविंशियल असेंबली में आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, मुशर्रफ के दौर में लोकल गवर्नमेंट में आपके पास आपके नाजिम थे, मेयर थे, आप फेडरल जो लेजिस्लेचर है, नेशनल, उसमें आपकी मिनिस्ट्रीज हैं आपके पास, ठीक है जी, गवर्नर आपका है, तो फिर ये किस बात की डिस्क्रिमिनेशन? मीनिंग पीपल वांट डेवलपमेंट नाउ, लोग चाहते हैं कि जी देखिए कराची इज मिडिल क्लास, लोगों को क्या चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, ठीक है भाई, तनख्वाह तो कमा रहे हैं, उनको अच्छी सड़क चाहिए, उनको अच्छे स्कूल चाहिए, उनको एक अच्छा जो है वो निज़ाम चाहिए, उनको क्रिमिनैलिटी नहीं चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, हाउसिंग चाहिए, ये जो है वो मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस होती हैं, फ्यू विल ना, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन लाइफ. तो कराची बाय दैट टाइम हैड यू नो सो टू स्पीक डिटीरियोरेटेड टू द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ दीज एसेंशियल फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, पानी का क्राइसिस चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, क्राइम बढ़ गया. सो दैट इज वेयर पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, और इसीलिए फिर लोगों ने ऑल्टरनेटिव
यानी कई सालों बाद एक अल्टरनेटिव पार्टी नजर आई विच वॉज पी टी आई, एंड दैट इज वाई इफ यू सी 2018 के इलेक्शंस में द पी टी आई वन एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी फ्रॉम कराची, ठीक है जी, 14 सीटें उनको मिली वहाँ से, एंड दिस टेल्स यू दैट द पीपल ऑफ कराची नाउ वॉन्ट टू वोट फॉर अ पार्टी विच कैन गारंटी देम दोज, यू नो, लेट से सोशल ज़्यादा कह लें, ठीक है, इकोनॉमिक तो लोग हैं, वो काम उनकी जॉब्स वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन सोशली दे वांट दोज इंसेंटिव्स, दे वांट दोज गुड्स, दे वांट सम सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, राइट, यानी वो वाली बात है ना कि अगर आप महीने का 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हो लेकिन आपकी आपके जान और माल महफूज ना हो, गन पॉइंट पे यू विल रन अवे, यू विल नेवर वांट टू लिव देयर, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द पीपल वांट, एंड इन दैट सेंसेस द एनक्यूएम वाज नॉट एबल टू फुलफिल लेट्स सो दोस कंडीशंस, तो तभी अब वो पार्टी और वो इमोशनल स्लोगन मुहाजिर इट इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट वाज. सर, हाउ डू यू सी टुडेज कराची इन टर्म्स ऑफ एक जनरली और वैसे एथनिक उसमें बेसिस पे भी आज कैसा है कराची? जी देखिए, कराची की डेमोग्राफी बहुत चेंज हो गई है, ठीक है, द मुहाजिर्स या जो उर्दू स्पीकर्स हैं, यू नो, दे आर नाउ अ प्लूरैलिटी ओनली, आई थिंक 40-42% अब उनकी जो है वो, मीनिंग इट्स द लार्जेस्ट ग्रुप बट इट्स नॉट इन द मेजॉरिटी. कराची सिंधी मेजॉरिटी में हो गए, सिंधी में नहीं, सिंधी भी मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी किसी की नहीं है. यानी मुहाजिर, यानी उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी थी 81 सेंसस या उस वक्त देख लें, वो 55 समवेयर बिटवीन 55-60%, अब वो 44% पे आ गए क्योंकि यू नो अदर कम्युनिटीज आर कमिंग इन एंड दे आर वर्किंग देयर दिस एंड दे हैव सेटल्ड देयर. तो डेमोग्राफी कराची की बहुत चेंज हो गई है, नंबर वन. ये तो पूरे पाकिस्तान में हुआ है जो कि कराची में भी हुआ है कि एक जेनरेशनल चेंज आ गया है, ठीक है जी. तो अब जो जेनरेशन है जो कि लेट से आज 2023 में हु वर बॉर्न लेट से 1999, 2000, 2005, जो 15 से 20 या 22 साल की जिनकी उम्रें हैं, उन्होंने तो वो एमक्यूएम नहीं देखी ना जो 80s और 90s की, वो तो नहीं रही, ठीक है, वो दौर गुजर गया, उन्होंने सुना है उसके बारे में कुछ, ठीक है. सो दे आर नाउ लिविंग इन अ डिफरेंट कराची, दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट सोशियो पोलिटिकल एनवायरमेंट, एंड दिस यंगर लॉट अगेन, उसकी मोटिवेशन मेरे ख्याल में एथनिक नहीं है, उसकी मोटिवेशन वही सोशो इकोनॉमिक है, तालीम चाहिए जी, नौकरियां चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और वो कराची की पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक डिटरमिन कर रहा है. तो ये एक बड़ा मेजर सी चेंज है. अच्छा, अगर आप अब क्योंकि हमारे यहाँ तो इलेक्टोरल मैनिपुलेशन और फ्रॉड ये बड़ा चीज़ें हमारे यहाँ हैं, तो अगर आप लोकल गवर्नमेंट के रिजल्ट्स देख लें तो पीपल्स पार्टी हैज़ एक्चुअली कम आउट लोकल गवर्नमेंट विच इज़ यू नो वेरी सरप्राइजिंग. लेकिन वो एक चीज़ इंडिकेट ज़रूर करता है कि कराची की जो पोलिटिकल अफिलिएशन जो बरसों से एम क्यू एम के साथ थी उसमें बहुत चेंज आ गया. Now it's MQM, now it's PTI, now it's People's Party, ठीक है. 2018 के elections में तो even TLP 2 सीटें जीत गई थी, ठीक है, Provincial Assembly में, ठीक है. So Karachi's political landscape is now very diverse. और वो क्योंकि वो MQM का जोर ख़त्म हुआ है तो बाकी parties को अब ये space मिल गई है कि वो वहाँ पर compete करें. So these elections which come around, जो अभी next elections होंगे वो बड़े interesting होंगे ये देखने में कि ये बड़ा कम्पिटिटिव जो है वो कराची पॉलिटिकली ये बहुत कम्पिटिटिव हो गया. जी हाँ सर, हाउ डिड पंजाबी नेशनलिज्म जो है वो इवॉल्व सिंस 1947 टू टिल नाउ, और वेरी ब्रीफ, कैसे इवॉल्व पंजाबी नेशनलिज्म? देखिए, 80s में एक पंजाबी एलिसा आयरिस की बड़ी अच्छी किताब है स्पीकिंग लाइक अ स्टेट, जिसमें एक पंजाबी कल्चरल रिवाइवल की बात करती है. देखें, पॉलिटिकली देर इज नो पंजाबी एथनो पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है, बिकॉज पंजाब हैज़ बीन द बेनिफिशरी, ठीक है, ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, ठीक है. कि देखें, हम कहते हैं कि जी बलूचिस्तान अंडर डेवलप्ड क्यों है, बड़ा सिंपल जवाब है इसका. सिंपल जवाब यह है कि अप अंटिल द 7th NFC अवार्ड, ठीक,
आप जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करते थे फाइनेंशियल प्रोविंसेस के दरमियान, वो आप करते थे पॉपुलेशन की बुनियाद पर। जी पंजाब की पॉपुलेशन जी 56% है या 54% है, 54% रेवेन्यूज वहाँ चले गए। बलूचिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है? 5%। तो सिर्फ 5% रिसोर्सेज शेयर जो फिर हम कहते हैं बलूचिस्तान में अंडर डेवलपमेंट क्यों है, ट्राइबल सिस्टम क्यों है, कॉलेजेस क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं है, ग्रीवेंसेस क्यों हैं, आपने रिसोर्सेज ही नहीं ट्रांसफर किए वहाँ पे। ठीक है, तो पंजाब हैज बीन द बेनिफिशरी, ठीक है, ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, नेशनल असेंबली। द डोमिनेशन ऑफ द पंजाब इज मैनिफेस्ट इन पाकिस्तान पोलिटिकल सिस्टम, ठीक है, एंड दैट इज वाई एथनिक माइनॉरिटीज हैव ऑलवेज प्रोजेक्टेड देयर रिजेंटमेंट अगेंस्ट द पंजाब। ठीक है जी, तो पंजाब जो आपका सवाल है कि पंजाबी नेशनलिज्म, तो ये कल्चरल एक है कि पंजाबी लैंग्वेज, ठीक। तो उन्होंने कहा कि जी मोहम्मद हनीफ रामे पीपल्स पार्टी के भी पॉलिटिशियन थे, दूसरे भी इसमें कुछ अहबाब शामिल थे, जिनका यह था कि जी पंजाबी लैंग्वेज को रिवाइव किया जाए। तो बट व्हाट वुड अ पंजाबी एथनो पॉलिटिक्स बी अबाउट, कि कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ, हो सकती है हो, हाँ, क्योंकि नॉट ऑल एरियाज ऑफ पंजाब आर इक्वली डेवलप्ड। साउथ पंजाब को तो चलें, अब साउथ पंजाब को छोड़ भी थे क्योंकि वहां पे सराइकीज है, ठीक है। अगर आप पंजाब को ही ले लें, सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, ठीक है, उधर भी यू नो देर कैन बी फीलिंग्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, के जी ऑफ डेप्रिवेशन, के जी गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वट एवर, राइट। बट दैट पंजाब यहाँ, तो वो जब सोर्स ऑफ कोई रिजेंटमेंट होगा, जब वो पंजाबी एथनिसिटी पोलिटिसाइज होगी, है ना, यानी एथनिक ग्रुप्स तो बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में 80 मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, लेकिन हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की तो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है ना। तो जब लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पॉलिटिसाइज हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि अच्छा जी अब ये कोई ऐसा चेहरा मूवमेंट या कोई ऐसी मूवमेंट, अब इसके हवाले से स्टेट को रिस्पॉन्ड करना, जिस तरह PTM बन गई, अब स्टेट को रिस्पॉन्ड करना, ठीक है जी। तो वो पंजाबी एथनो पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि देयर इश्यूज आर नॉट द सेम, एंड बिकॉज पंजाब जनरली हैज बीन द बेनिफिशियरी। सर, जो हमने साउथ की बात की कि जो साउथ पंजाब है जी, कंपैरेटिवली, बेसिकली आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब, कंपैरेटिवली साउथ पंजाब इज बेटर देन बलोचिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या अगर सिंध का मतलब, इट कैन बी सिमिलर टू सिंध, जो इंटीरियर सिंध है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी जो एक, ये तो पहले तो ये कहा जाता है कि दिस इज नॉट अ सेपरेट एथनिक ग्रुप, दे लाइक ये दिस इज द पंजाबी जो एक डायलेक्ट है, पहला तो ये चीज आती है, लेकिन हाउ डू यू सी दैट, और वो कैसे एक मूव करेगा आगे? जी देखें, एथनिक ग्रुप्स और जो एथनिक आइडेंटिटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एथनोसेंट्रिसिज्म का। एथनोसेंट्रिसिज्म ये कि जी मेरा ग्रुप सुपीरियर है, जो अगला ग्रुप है वो इन्फीरियर है, ठीक है, दोबारा कोई रैशनल इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सेप्ट टू से कि जी क्यों सुपीरियर है, किसने कहा सुपीरियर है, खुदा ने कहा सुपीरियर, कहाँ से आई ये सुपीरियरिटी, ठीक है। सो इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्शन, सो टू डिनाई दैट द सराइकीज आर नॉट अ सेपरेट एथनिक आइडेंटिटी बट दे आर ओनली अ offshoot of the Punjabi ethnic identity, or even the language is an offshoot of the Punjabi ethnic identity, I think this is an ethnocentric claim, ek racist claim hai, politically incorrect claim hai, hona hi nahi chahiye, theek hai, and we should call out what it is for. The point is, if that the people believe that they are who they are, Saraiki keh rahe hain ji hum Saraiki hain, unki self definition ye ki ji हम बिलीव करते हैं कि हम सराइकी, हमारी अपनी जबान है, हमारी अपनी, हम इस रीजन में बड़े, हम इस रीजन में रहते हैं, हमारी एक टेरिटोरियल अफिलिएशन है यहाँ से, ठीक है, उस बुनियाद पे हमें एक रिकग्निशन दी जाए। अच्छा जी, जिस तरह आपने कहा कि वो फीलिंग्स ऑफ डिप्रिवेशन वहाँ पे हैं, ठीक, कि जिस तरह जो एक नेशनल कमीशन ऑन न्यू प्रोविंसेस बना था 2012 में, विच डिलिबरेटेड ऑन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोविंस इन साउथ पंजाब, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि जी 80% कॉटन यहाँ प्रोड्यूस होती है पंजाब की, यानी कोई 30-40% शुगर यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कोई 30-40% वीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और जो रिसोर्स ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे जो परसेंटेज होनी चाहिए उसका आधा भी नहीं है।
बिल्कुल ठीक, और पॉपुलेशन भी काफी है, और पॉपुलेशन भी काफी है, ठीक है। यानी जो उन्होंने प्रपोज्ड मैप बनाया था, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, तो उन्होंने कहा कि बहावलपुर डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन, मुल्तान डिवीजन एंड द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भक्कर एंड मियांवाली, इनको अगर मिला दें तो ये साउथ प्रॉब, तो दिस इज मोर देन 50% ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, नो दिस इज मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। एंड ज्योग्राफिकली तो जो नेशनल कमीशन ऑन न्यू प्रोविंसेस हैं, उन्होंने कहा कि जी बहावलपुर डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन, मुल्तान डिवीजन और भक्कर और मियांवाली के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको मिला के, और उन्होंने कहा कि एक बहावलपुर जुनूबी पंजाब सूबा एक नया बनाया जाए। तो अगर आप इसकी टेरिटोरियल लिमिट देख लें तो दिस इज मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट पंजाब, ठीक है। और अगर डेमोग्राफिकली देख लें तो दिस इज मोर देन 33%, मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब। तो जो सराइकी जो एथनिक क्लेम है, दोबारा वो उन्हीं इश्यूज का है, और ये एक नई, अब 18th अमेंडमेंट के बाद यही हुआ है कि अब हमारे पास, और ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है पाकिस्तान की एथनिक पॉलिटिक्स या पाकिस्तान की इवन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कि आपने क्योंकि सवाल शुरू किया था कि मैं टीचर कैसे बना और ये वो, तो 90s में जब हम स्टूडेंट्स थे तो नए सूबों की बात करना तो इसी तरह था जिस तरह आप जो है ना मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, अलहदगी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। 30 years लेटर नाउ इट्स पब्लिक डिस्कोर्स, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ये मेन स्ट्रीम पार्टीज अपने 2013-2018 के मैनिफेस्टोज में उनके कि जी नए सूबे बनने चाहिए, नए मूवमेंट्स अब हमारे पास आ रही हैं, ठीक है जी। तो जो सराइकी सूबा, उनका वही ये डिमांड है कि जी ये डिप्रिवेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, और इसकी बुनियाद पे बनना चाहिए, और ये कि ये जो एथनोसेंट्रिक क्लेम्स होते हैं, यू नो वी शुड कॉल देम आउट फॉर व्हाट दे आर, पॉलिटिकली, मॉरली कम्प्लीटली इनकरेक्ट जी। सर क्वेश्चंस, अभी तो काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं वैसे। अब ये हमने बहुत सारे एथनिक उस बेसिस पे सारी मूवमेंट्स को भी देख लिया और ऑपरेशंस को भी देख लिया। अभी मैं ये पूछूंगा कि व्हाट इज टू बी पाकिस्तानी या हु इज अ पाकिस्तानी। ओह दैट्स अ गुड मीनिंग, दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई टेक अप इन माय यू नो आर्टिकल ऑन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो दोबारा जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट या एथनिक आइडेंटिटी को सिर्फ ये नहीं कि उसकी इंस्टीट्यूशनल रीजंस क्या हैं, आइडिएशनल रीजंस भी मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी हैं। देखिए मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब कि पाकिस्तानी कौन है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पब्लिक डिस्कोर्स में स्टेट लेवल पे एलीट्स जो हमारे हैं, मिलिट्री, पॉलिटिकल, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाटएवर जो भी उनकी वो अफिलिएशन हो, कि हम डाइवर्सिटी को नॉर्मलाइज करें, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है जी। क्यों ज़रूरी है वो एक्सेप्टेंस? वो एक्सेप्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअली आप और मैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आपकी आइडेंटिटी क्या है, जहन में सोचे ज़रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आई एम श्योर कि आपके जहन में मल्टीपल आइडेंटिटीज़ घूम रही होंगी, ठीक है। आप कहें जी मैं सराइकी भी हूँ, या मैं फ़लाँ रीजन का भी हूँ, या मेरी जेंडर आइडेंटिटी भी है, मेरी एक प्रोफेशनल, मेरी एक रिलीजियस आइडेंटिटी भी है, मेरी एक सेक्टेरियन आइडेंटिटी भी है, मेरी नेशनल आइडेंटिटी भी है, ठीक है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं आपकी, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि जी आपकी क्या आइडेंटिटी है, तो मैं शायद जवाब ये दूंगा मैं कराची आइट हूँ, मैं अपनी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये अज्यूम्ड है कि हम बैठे हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है जी। हालांकि इस्लामाबाद में आप रह रहे होंगे, आप कहेंगे मैं कराची आई जी, बिल्कुल ठीक है आप, क्योंकि पले बड़े और वहाँ पे आप बहुत सारी एफिलिएशन, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी, मैं भी अगर इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मैं, लेकिन कहूंगा यही कि मैं हूँ वहां से, एग्जैक्टली पहली बात, बिल्कुल ठीक जी। तो ये डाइवर्सिटी इट इज इंट्रिंसिक टू हु वी आर, ठीक, लेकिन जो स्टेट का नेशनल आइडेंटिटी का प्रोजेक्ट है वो बड़ा टोटलाइजिंग किस्म का, वो बड़ा यूनिटरी किस्म का, वो कहता है नहीं जी आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी आपकी नेशनल आइडेंटिटी। तो पाकिस्तानी होने का, सो द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हु इज अ पाकिस्तानी, आई थिंक द आंसर टू द क्वेश्चन गोज फ्रॉम द रूट, ठीक है, वेयर वी एक्सेप्ट दिस डाइवर्सिटी,
ठीक है, एंड एज सून एंड एज यानी जितनी जल्दी हम उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे और अपने पब्लिक डिस्कोर्स सोशल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएंगे, उतनी ज़्यादा हम सोशल कोहिजन हासिल कर सकेंगे। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है सोशल कोहिजन का, वो ये है कि नहीं यूनिटरीनेस, तो जब हम वो इम्पोज करते हैं फ्रॉम द टॉप, वो नीचे क्या करता है सोशल लेवल पे, कि वो एलियनेशन पैदा कर देता है कि जी ये तो सिर्फ ये तो एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, एक आइडिएशनल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है पाकिस्तानी, ठीक है। नंबर वन, नंबर टू, इस कॉन्शियसनेस से सिर्फ एक एथनिक ग्रुप को शायद फ़ायदा हो रहा है जो कि पंजाबी है। हाँ, हमारी जो आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, सर, ठीक है जी। जो पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी है वो दैट वाज शेप्ड बाय रिलीजियस डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपने एक आर्टिकल भी इसमें रिसेंटली जो आपका मैं देख रहा था कि आर्टिकल्स, उनमें से ये आर्टिकल मुझे मिला जी, सही जी। तो उसमें उसने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कैसे शेप किया है? देखिए मुख्तलिफ है ये, यानी आइडेंटिटी जो मल्टीपल, यानी इफ आई कैन क्विकली पुट दिस आउट, कि जो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है यानी इस्लामिक, अगर हम अपने नेबरहुड में देख लें, वी हैव यूज्ड इट मोस्ट वॉसिफरसली रिटोरिकली एंड इमोशनली सिम्बॉलिकली विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है, सही है जी। अच्छा, अफगानिस्तान जिन जो कौन है, मुसलमान है, ठीक है, वहाँ पे हमारा एथनिक आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस उजागर हो, पख्तून, ईरान में जो है वो हमारा सेक्टेरियन आ जाता है, ठीक है, शिया सुन्नी वाला, चाइना के साथ हमारा वो अलग है ना, आयरन ब्रदर्स, ठीक है। हालांकि इन टर्म्स यू नो ऑफ देयर पॉलिटिकल सोशल यू नो रिलीजियस, इट इज यू नो कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट पाकिस्तान इज, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन वहां पे हमारा नेशनल इंटरेस्ट या रोल ओरिएंटेड, जिसे आप कह रहे हैं आइडेंटिटी, ज्यादा अहम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये बात करें कि जी इस्लाम और इस्लाम ने किस तरह, तो यानी सिंपल जो उसकी अजर्शन है वो तो ये है सिंपलिस्टिक सी, जी बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए थे हमारे अफगानिस्तान से, अगर कोई मसला था भी ड्यूरेंट लाइन का जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको हमने हल भी कर लिया होता, ठीक है। ईरान चाइना के साथ हमने कर लिया, चाइना के साथ हमने कर लिया, ठीक है जी। ईरान में क्योंकि इनिशियली बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द सेम यू नो US डोमिनेटेड ब्लॉक, तो जब तक शाह था उस वक्त तक हमारे रिलेशंस विद दैट दे वर ओके। आफ्टर द इरानियन रेवोल्यूशन फिर वहाँ पे ये सेक्टेरियन डिफरेंशिएशन आ गई, ठीक है, और फिर वो सऊदी ईरान जियोपॉलिटिक्स भी आ गई। लेकिन बहरहाल अगर वो थे तो वो सस्टेन करना चाहिए था इवन आफ्टर द रेवोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल में कुछ यानी आइडेंटिटी की रूह से, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो आइडेंटिटी डिटर्मिनिंग फैक्टर है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आइडेंटिटी को इंस्ट्रूमेंटली यूज़ करती है स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल्स को जो है वो अहमियत देने के लिए या उनको तरतीब देने के लिए। सर अब ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें ट्विटर से मिले हैं जी, और पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू व्यू द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स इन द मिडल ईस्ट? In the Middle East, ये तो completely, this is completely opposite to ये असल में basically, what we are discussing. Basically ये उन्होंने जो questions किए हैं वो IR और इस जी, जी, देखें, okay, देखें, जो regional security complex theory की जो अच्छी बात है वो ये है कि वो हमें बताते हैं कि जो states के दरमियान ताल्लुकात होते हैं उसमें दुश्मनियाँ भी होती हैं लेकिन दोस्तियाँ भी होती हैं, ठीक, और ये दोनों साथ वर्क करते हैं, दे वर्क साइमल्टेनियसली अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, एंड स्टेट्स ऑलवेज फाइंड रूम फॉर कोऑपरेशन एज वेल, ठीक है जी। देखिए ना, अगर हम कहें, अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड वॉर, नहीं जी, अगर कोऑपरेशन ना हो तो दुनिया तो ख़त्म हो जाए, है ना। फिर वो जो एनार्की है हॉब्सियन वो हो और फिर हर कोई हर एक दूसरे को स्टेट मार रहा हो तो दुनिया ही नहीं बचे, ठीक है। सो बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट आर फंडामेंटल टू सोशल एग्जिस्टेंस, टू हु वी आर एज पीपल एंड हाउ स्टेट्स फंक्शन।
तो मिडिल ईस्ट में जो हमें नज़र आता है, ख़ासतौर पे जो रीसेंट रेप्रोशमा है जो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हुआ है, आई थिंक इट्स अ रियली रियली फैसिनेटिंग एंड अ रियली रियली इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. ठीक है जी. और उसके क्या अब वो सस्टेनेबल कितना है, उसके क्या नतायज निकलेंगे. ठीक है, मीनिंग इट इज़ ऑल ओपन टू कंजेक्चर, बट एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान इट प्रोवाइड्स सम रूम वेयर वी कैन गेट आउट ऑफ दिस सऊदी अरेबिया एंड ईरान बाइनरी. ठीक है जी. आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट दैट वी डू सो. और हमारे लिए ये भी है कि हम हाउ डू वी सी इंडिया, तो वो भी हमारी अप्रोच चेंज हो सकती है. बिल्कुल जी, बिल्कुल जी. और आप चाइना, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ चाइना इन दैट, इन सऊदी अरब. जी देखिए, चाइना मीनिंग माई टेक अबाउट चाइना इज, और ये बड़ा अगर अब डेविड कैंग, माइकल मूसो, ये बड़े इंटरेस्टिंग ऑथर्स हैं जो कि मर्शाइमर और दूसरों से एक मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन देते हैं चाइना की, क्योंकि उनकी जो रियलिस्ट और न्यू रियलिस्ट ख़ास तौर पे जो रियलिस्ट ऑथर्स हैं वो बड़े जियो स्ट्रेटिजिक और जियो पोलिटिकल और कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड उनकी इंटरप्रिटेशन है. देखें, जब एक मुल्क चाइना को अगर आप ले लें, चाइना इज़ इन्वेस्टिंग प्रिज्यूमेबली $62 billion इन पाकिस्तान. ठीक. सो व्हेन चाइना इज़ इन्वेस्टिंग $62 billion इन पाकिस्तान, वाई वुड इट वॉन्ट सिविल वॉर इन पाकिस्तान? वाई वुड इट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ वॉर टू टेक प्लेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और लेट से पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और एनी अदर कंट्री? क्योंकि जंग होगी वो तो नहीं चाहेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, वायलेंस होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएंगी, है ना. कराची की हम बात कर रहे थे, वहां से क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपना पैसा निकाल लिया वहां से, क्योंकि इंस्टेबिलिटी होगी, केओस होगा, क्राइम होगा, वायलेंस होगा, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो सफ़र करेगी, ग्रोथ सफ़र करेगी. तो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट चाइना इज दैट चाइना इज नॉट एन इंस्टिगेटर और डज नॉट वॉन्ट टू इंस्टिगेट कॉन्फ्लिक्ट्स, अनलाइक यूएस. यूएस ओके, मीनिंग ठीक है, नॉट मीनिंग नॉट से इंस्टिगेटर, ठीक है, लेट्स नॉट से दैट द यूएस इज एन इंस्टिगेटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स. ठीक है, बट चाइना के हवाले से अप्रीहेंशन इस किस्म के हैं कि जी वो इंडिया के साथ और ये वो. सो व्हेन इट इज़ इन्वेस्टिंग, BRI है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, सो व्हेन इट इज़ मेकिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, सो इट वुड वांट टू ओवरसी कि वो केओस, वायलेंस और इंस्टेबिलिटी ना हो. दैट इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, तो अगर आपने देखा हो, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो अगर आपने देखा हो कि जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए तो एक किस्म की स्कूलिंग करके गए हैं वो पाकिस्तान की, ना उन्होंने कहा अपने अंदरूनी मामलात को हल करें. ठीक है, जब ये भी जाते हैं तो वो उधर भी यही कहते हैं. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है कि पिछले एक साल में देख लें कि मीनिंग हाउ आर इकोनॉमी हैज़ टैंक्ड बेसिकली, है ना. तो चाइना का जो रोल है, जो सऊदी अरेबिया, ईरान, यू नो, चाइना इज़ डिपेंडेंट ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स सिंस द 90s. इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी इम्पोर्ट्स, राइट. इट सीज द मिडल ईस्ट एज, यू नो, एज द US डज, एज अ रीजन, एज अ प्लेस, यू नो, वेयर दीज एनर्जी, यू नो, इम्पोर्ट्स कैन बी हैड, राइट. एंड आई थिंक ब्रिंगिंग सऊदी अरेबिया एंड ईरान टुगेदर, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट. And if it stabilizes the Middle East, nothing better. So, Yemen ka dekh lein kya hal ho gaya. Ji. Next question, kyunki we have Ji. around 5 questions. Ji. Usme ye ki sir, in your viewpoint, would the era of rapprochement between Iran and KSA that China has made possible be long? Wo us pe humne baat ki hai. Ji, wo. Next is, what is the nexus between state policies and ethnic conflicts in Pakistan? यानी जिस तरह मैंने जी के देखें पॉलिसीज़ को आप देखें कि किस तरह इख्तियार दी गई, लेकिन ये भी देखें, ठीक है, जिस पे हमने थोड़ी बात नहीं की, वो एटीनथ अमेंडमेंट, ठीक है, कि यू नो हम कहते दो तीन उसके जाविये, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल एलीट सोचते नहीं हैं, सिर्फ सेल्फ सर्विंग होते हैं, करप्ट होते हैं, बट यू नो जरदारी, पीपल्स पार्टी, PMLN उस वक्त अपोजिशन में, PTI तो खैर उस वक्त नहीं थी 2008-09 में, मीनिंग दे आर द वंस हु गेव केम अराउंड एंड गेव द 18th अमेंडमेंट.
कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, 18 मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व डाउन टू द प्रोविंसेस. सो देयर वाज अ रियलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ आर पॉलिटिकल क्लास के जो यूनिटरी सेंट्रलाइज पॉलिसीज है और ये जो एक यूनिटरी माइंडसेट है जो कि 47 से लेके अब तक पाकिस्तान में अहम रहा है और रूल करता रहा है, इसको अब बदलने की ज़रूरत है. ठीक है जी, ठीक है. सो आई सी दैट चेंजिंग इन पाकिस्तान. देर आर ऑफकोर्स मैनी प्रॉब्लम एरियाज, बट एटलीस्ट इन पाकिस्तान दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज विजिबल कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अब हमारे पास अब इस सिस्टम में है हमारे पास. सर, वी कैन स्किप सम ऑफ द क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहे हों तो, इफ यू थिंक सो. सॉरी, हाउ डू यू सी द करंट चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी? हाउ डज एथनिसिटी इन्फ्लुएंस वोटर्स बिहेवियर इन पाकिस्तान? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटी स्टेट मूवमेंट्स दैट यूजेस एथनिक ग्रीवेंसेस टू लेजिटिमाइज वायलेंस? देखिए, जिस तरह ये कि न्यू प्रोविंसेस की डिबेट, आई थिंक इन द लास्ट 13 ईयर्स इट्स समथिंग विच इज़ वेरी नॉवल, विच टेल्स यू द फैक्ट के कुछ किसी लेवल पे एथनिक आइडेंटिटी की रिकग्निशन अब हमारे पोलिटिकल सिस्टम में शायद थोड़ी बहुत बढ़ रही है. अब वो हमारे यहाँ मसला पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन का होता है, मिशन इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट है, एक इम्प्लीमेंटेशन गैप है. लेकिन अगर पोलिटिकली स्लोगन वाइज ठीक है, you know, if you see that happening, these new provinces movement, I think that's a plus for Pakistan in terms of at least recognizing some newer ethnic minorities who are now demanding province. Seraiki hain, Hindko speakers hain. ठीक है, how does ethnicity voter क्या how does ethnicity voters behave voters ethnicity influence voters behavior? Yeah, meaning it does so, it does not do so. दोनों चीज़ें हैं. ठीक है जी, देखें एथनिक किसी का एक ख़ास एथनिक ग्रुप से होने का ये मतलब नहीं है नंबर वन कि उस ग्रुप की एक एथनिक पॉलिटिकल मूवमेंट भी होगी या उसकी एक एथनिक आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस कुछ इस लेवल की होगी कि जी वो हमेशा सिर्फ अपने ही एथनिक ग्रुप को वोट करेगा. ठीक है, मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं कि हम सिराई की उसकी बात कर रहे थे, 10 मेरा ख्याल है मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं सिराई की जो हर कोई अपना क्लेम कर रहा है कि जी नया सूबा बनना चाहिए. हाँ, इसी तरह अगर आप अगर उनकी अगर हम कहें अच्छा जी अब ये मूवमेंट है जो न्यू प्रोविंसेस डाल रही है, इलेक्टोरली दे आर वेरी वीक है ना, कि लोग उनको वोट नहीं डालते. ठीक, लोग वोट डालते हैं मेन स्ट्रीम पार्टीज़ पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को. ठीक है जी, तो वो जो वोटर प्रेफरेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक एथनिक आइडेंटिटी कोई एक एथनिक आइडेंटिटी हो किसी इंसान की और वो उसी पार्टी उसी ग्रुप को वोट डाल रहा हो, वो अपनी प्रेफरेंस उसकी मुख्तलिफ यानी वही जो हम बात कहते हैं करिश्मेटिक कोई लीडर हो वो उसको देख के प्रेफरेंस दे सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसकी एफिलिएशन हो सकती है, उसकी बुनियाद पर वो वोट और लोग वोट डालते हैं इस तरीके और वोट ले भी सकते हैं. ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि एमक्यूएम की पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई तो लोगों ने उसको वोट डालना भी छोड़ दिया. ठीक है, या कम कर दिया. बिल्कुल सर, ये पार्ट रह गया, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटी स्टेट मूवमेंट्स दैट यूजेस एथनिक ग्रीवेंसेस टू कौन सी एंटी स्टेट मूवमेंट्स जो एथनिक ग्रीवेंसेस को इस्तेमाल करती हैं? मीनिंग देयर आर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन बलूचिस्तान, ठीक है, हु आर नाउ फाइटिंग द स्टेट, ठीक है, एंड हु हैव बिकम मोर रिजॉल्वड ओवर द ईयर्स. लेकिन एक फैक्ट मैं जल्दी से आपको कोट करता हूँ, ये टाइम ब्रामदास बुक्ति, ठीक है, ब्रामदास बुक्ति ने 2015 में जब उनके दादा की बरसी थी अकबर बुक्ति की, उस वक्त एक स्टेटमेंट दिया कि अगर पाकिस्तानी अगर बलोच कौम ये चाहती है कि हम पाकिस्तानी रियासत से बात करें तो मैं बात करने के लिए तैयार. ठीक है, और उस ज़माने में जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों थी, उन्होंने काफ़ी बैक चैनल के ज़रिए ये कोशिश की कि जी इस कॉन्फ्लिक्ट को हम बातचीत के ज़रिए हल कर लें. ठीक, सो द पॉइंट दैट आई एम सेइंग इज़ दैट द रूम फॉर नेगोशिएशंस इज़ ऑलवेज देयर. ठीक है, इंटेलिजेंट लीडर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स नो व्हेन टू एक्सप्लॉइट इट टू देयर एडवांटेज के बातचीत करके ज़रिए. और दोबारा के जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, अगर हम बलोचों की अगर हम ज़्यादा बात कर लें तो मसला उसका पॉलिटिकल ही है, यानी मसले का हल उसका पॉलिटिकल ही है.
ठीक है, तो दोबारा एक बड़ा सिंपलिस्टिक सिनेरियो लेते हैं कि जी स्टेट कहता है हम डेवलपमेंट करेंगे, ये होगा फला फला, और वो होना शुरू हो जाती है बलूचिस्तान में. ठीक है, सो द सपोर्ट फॉर द इंसर्जेंसी विल अल्टीमेटली गो डाउन. ठीक है, तो ये उसमें जी. सर, हाउ डू डिफरेंट आइडेंटिटी सच एज रिलीजन, एथनिसिटी एंड प्रोफेशन इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी? या मीनिंग देखें, जिस तरह मैंने कहा दिस इज ऑल एम्बेडेड, मीनिंग जो जिसे कहते हैं आइडेंटिटी मल्टीपल और नेस्टेड होती हैं, देर ऑलवेज नेस्टेड, यू नो, वन विद इन द अदर, वन विद इन द अदर. ठीक है, तो वली खान से ये है, उनसे पूछा गया समवेयर अराउंड द लेट 80s के, जी आप कौन हैं, आइडेंटिटी. ठीक है, वो आर्टिकल में भी मैंने शुरू उसी कोट से किया, तो उन्होंने कहा मैं 5000 साल से पश्तून हूँ, मैं 1400 साल से मुसलमान हूँ, और पिछले 40 साल से पाकिस्तानी हूँ. ठीक है जी, सो मल्टीपल फेसेट्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ जो है वो होती हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन के जी वो किस आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस से सबसे ज़्यादा यू नो इन्फ्लुएंस हो सकता है, या किस तरह उसको वो यूज़ कर सकता है. कि जिस तरह अगर आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कैंपस पे आएँ, ठीक है, तो वो एथनिक आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस बड़ी एम्बेडेड है यहाँ पे, एथनिक कॉन्शियसनेस. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. सर, इन व्हाट वेज डू द कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल इंटरेक्शंस डिटरमिन द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल नेशनल एथनिक एंड रिलीजियस जी आइडेंटिटीज फॉर इंडिविजुअल्स लाइक हु होल्ड मल्टीपल आइडेंटिटीज? जी जी बिल्कुल. देखें, हाँ, इसी तरह है कि जिस तरह मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का कहा, ठीक है, कि यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है जी, वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जी यहाँ पे एथनिक आइडेंटिटी काउंसिल्स, एथनिक काउंसिल्स हैं, एंड पीपल लाइक टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ दीज डिफरेंट एथनिक काउंसिल्स. ठीक है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कैंपस पे होली भी खेली जाती है ना? आपने खेली है? बिल्कुल. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तो देखिए माइक्रो लेवल जो डायनामिक्स होते हैं ना एथनिसिटी के, वो मैक्रो लेवल आइडेंटिटी डायनामिक से बड़े मुख्तलिफ हो सकते. अब आप मैक्रो लेवल पे सोचें कि जी हम एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान है, और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कैंपस पे क्या हो रहा है? होली, जो एक हिंदू रसम. ठीक है, अच्छा, अब जो लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खेल रहे हैं उसको, वो उसको रिलीजियसली नहीं, कल्चरली देखते. इट्स अ कल्चरल फेस्टिवल. हाँ, जो सिंध में मेहरान काउंसिल पेश होती ना, तो वो एक कल्चरल, इसकी एक सिम्बॉलिक एक समझने वैल्यू है जो सिंध से हैं वो फिर लाते हैं, एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ फन. बिल्कुल. हाँ, इट्स अ फॉर्म, इट्स अ गैदरिंग फॉर्म, सिंगिंग, डांसिंग, उसकी एक कल्चरल उसकी है. तो बहरहाल मैं सर, आउटसाइड दिस कैंपस वो ये देखा जाता है कि ये जी, तो क्या ये कर तो, रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? और इंडिया में अगर वो इंडियन सोशल मीडिया पे जाए तो वो कहेंगे कि क्या हो रहा है. ठीक है, तो बाहर जो आउटसाइड व्यू है ऑफ दिस होली थिंग, उसकी मीनिंग बड़ी स्ट्रिक्ट होगी. ओहो, जो अंदर लोग हैं उनके लिए वो एक उसकी कोई मीनिंग नहीं है. वो ये नहीं है कि हमें वो कल्चरल उसका, इट्स अ फॉर्म ऑफ फन, हाँ, दैट वी कैन सेलिब्रेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो बाहर की मीनिंग से जो देख रहा है उस इवेंट को, और अंदर की जो मीनिंग है उस इवेंट के माइक्रो लेवल पे, वो बड़ी उससे मुख्तलिफ है. बहरहाल मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ मैं अक्सर, तो वो मैं कभी कभी एथनिसिटी की क्लास में कहता हूँ क्या करते हैं जब आप लोग पूरे रंग वंग में भर जाते हैं, घर कैसे जाते हैं, घर कैसे जाते हैं? तो कहते हैं सर हम हॉस्टल से नहा के जाते हैं. बिल्कुल. ताकि घर वालों को नहीं पता चलेगा हम कोई होली खेल गए. ठीक है, तो वो हाँ, सो मीनिंग द पॉइंट इज यू आर ऑलवेज नेविगेटिंग. अब वालदेन हैं, ठीक है ना, अब फॉर वालदेन टू लेट देम, यू नो, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जी मैं होली खेल के आया हूँ, हाँ, दे वुडंट अंडरस्टैंड. वो ये मीनिंग लेंगे कि आप कोई गैर इस्लामी, कोई गैर शरिया. हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसका वो कह रहा था कि मैंने पिक्चर लगाई है सोशल मीडिया पे, सही, तो उधर से उसका कहता है कि मेरे साथ बचपन से वो दोस्त था, लेकिन उसने जिस तरह से उस पर रिएक्ट किया, मैंने कहा कि जी बिल्कुल, मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम नहीं लगाऊंगा. एग्जैक्टली. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में माइक्रो लेवल पे जी हाँ, और उसकी मीनिंग जो होती हैं आइडेंटिटीज की, वो बड़ी मैलिएबल किस्म की होती हैं. जी हाँ, तो इस तरह. सर, हाउ डिड यू कम अप विद एन आईआर टेक्स्ट बुक, आइडिया ऑफ आईआर टेक्स्ट बुक? आई लाइफ लॉन्ग, मीनिंग दिस इज व्हेन आई स्टार्टेड विद टीचिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू, यू नो, राइट अ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स
वो एक पर्सनल भी एक एम्बिशन था, और जो दूसरा था कि देर वॉज यू नो देर इज़ अ लैग, देर इज़ अ मेजर लैग के 90s से लेके अब तक जब भी हम वो किताबें जो पढ़ाते हुए आते वो सारे वेस्टर्न ऑथर्स की थी, और उसमें एग्जाम्पल्स भी वेस्टर्न कंट्रीज और वहीं की कोट होती है बिल्कुल. तो जब हम यानी ऑल एकेडेमिक्स, ऑल पाकिस्तानी एकेडेमिक्स, तो जब वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन टू आईआर का, तो वो किताब से पढ़ाएंगे वही कॉन्सेप्ट वही थियोरीज, लेकिन वो एग्जाम्पल्स पाकिस्तानी देंगे, यू नो, टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड. अच्छा जी, कोई सीएट होती है, सेंट होती है, ये है पाकिस्तान, इधर था ये वो था. तो द गुड थिंग इज दैट व्हेन आई केम टू कायदे आज़म एंड व्हेन आई जॉइन द डिपार्टमेंट हियर, तो द अपॉर्चुनिटी अराइव्ड. सो वन एक स्टूडेंट उनकी मेरे पास कराची से, सो शी सेंट मी अ टेक ईमेल, उन्होंने आई के जी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में थी उस वक्त, और उन्होंने कहा कि जी मैं, आप इंटरेस्टेड होंगे, और टेक्स्ट बुक का एक, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट, और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा मल्टीपल ऑथर्ड होती हैं, मल्टी ऑथर्ड. बिल्कुल. तो आई फाउंड अ वेरी गुड पार्टनर विद नदीम मिर्ज़ा. तो आई कॉल्ड हिम एंड हमने कहा कि भाई ये एक है, ये करना है कि नहीं करना, एंड यू नो बोथ ऑफ अस वर रियली एंथुजियास्टिक. सो द टीम वर्क दैट वी डिड ओवर द इयर्स वो भी बड़ा अच्छा जेल किया. सो या, तो वो फिर यू नो ये सब करके, तो वो बड़ी मेहनत से, मीनिंग इट टुक अस 3 years टू राइट द टेक्स्ट बुक. और रिएक्शन कैसा सर, और कैसे आपको फीडबैक मिला? मीनिंग नदीम एंड आई आर ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स. सो यू नो पहले जब वो इनिशियली हमने ट्विटर पे मैंने डाला, तो वो हम नदीम और मैं यही बैठ के डिस्कस कर, सर आज ये किसी ने हमें टैग कर दिया, जिसने टैग कर दिया है, इन्होंने परचेज की, इन्होंने परचेज कर लिया, वो तस्वीर डाल दी, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर आपको पता है. तो वो फिर ऑफकोर्स यू नो एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट पर उनको रिप्लाई करना, थैंक यू फॉर, थैंक यू हर एक को. तो वो आज सुबह भी मैं देख रहा था कि मैंने अभी अपना वो एक्सेस किया तो किसी ने तस्वीर डाली हुई है. तो आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज बीन एक्सीलेंट, एंड दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड बोथ नदीम एंड आई, कि ऐसी टेक्स्ट बुक हो जो कि अथॉरिटेटिव हो, जिसमें पाकिस्तान, ग्लोबल साउथ, साउथ एशिया की एग्जाम्पल्स हों. और जी हाँ, एंड पर्सनली फ्रॉम माई, आई वॉन्टेड टू डू इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. जब मैंने शुरू किया मेरे था कि मुझे एक टेक्स्ट बुक लिखनी चाहिए, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट इट्स आउट नाउ. सर, आप अभी रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ रहे हैं या दैट यू हैव रेड रिसेंट ईयर्स? दो तीन किताबें बड़ी, एक बाबरा वॉल्टर्स की मैंने किताब, बड़ी ज़बरदस्त किताब है वो, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, कि हाउ सिविल वॉर स्टार्ट एंड हाउ टू स्टॉप देम. आई थिंक इट इज़ एन एक्सीलेंट बुक विच एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट डेमोक्रेसी एंड पॉपुलिज्म एंड आइडेंटिटी ग्रुप्स एंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, इवन द रोल ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इट इज़ सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल्स you know perceptions about politics, culture and society are being shaped, and a lot of it is you know quite negative. aur ye, aur kyunki social media pe, to Asim Sajjad Akhtar sahab ne jo kitab likhi hai abhi recent, jo unki kitab hai which is about forgetting the name, kya naam hai inki, hum kitab ha dekh lete hain, bahut hi zabardast kitab sir. Acha, it's about neo liberal hegemony and, or who is your favorite author sir? Meaning bada mushkil sawal hai ye. Meaning there are number of authors, meaning initially when I started, Howard Zinn jo hai na, jisne people's history of the United States, usne kitab likhi thi. I think that was one of the earliest sort of texts that I read, really motivated by it. लेकिन अगर ethnicity में देख लें, क्योंकि that is ethnicity nationalism that I do, Rogers Brubaker, you know, some magnificent writer, एक हैं Andreas Wimmer और उनकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है नेशन बिल्डिंग, excellent. इसी तरह एक Sinisa Milosevic हैं, he also writes on nationalism, identity. अगर IR theory में persuaded more by you know critical theory and constructivism, Alexander Wendt, Andrew Linklater, jiska kaam basically, yani wo IR theorist, critical theory, but his work is about you know identity issues and conflicts, aur badi zabardast kitab hai uski, Men and Citizens in International Relations Theory.
सो या मीनिंग दीज आर सर की जो है वो द स्ट्रगल फॉर हेजमनी आई थिंक इट इज़ एन एक्सीलेंट बुक और वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो पाकिस्तान का जो मौजूदा लैंडस्केप है सोशो इकोनॉमिक और उससे और जो यंगर जो पॉपुलेशन है यंगर जो डेमोग्राफी है और जो नई सोशल मूवमेंट्स अब उभर रही हैं औरत मार्च ठीक है जी ये नई आइडेंटिटी मूवमेंट्स हैं ठीक है पीटीएम इनको उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेरे ख्याल में एनालाइज किया है आसिम ने अपनी इस किताब में तो द स्ट्रगल फॉर हेजमनी तो जी हाँ तो ये मेरे ख्याल में फिक्शन फेवरेट बुक आपकी मैं नहीं पढ़ता बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं पढ़ता अच्छा अगर आइडेंटिटी के हवाले से क्योंकि अदील खान की आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी इन पाकिस्तान यानी अगर पाकिस्तानी ऑथर्स में अगर आप ले लें और आइडेंटिटी यानी उसमें ताहिर अमीन साहब हैं जो इसी डिपार्टमेंट के थे वसीम साहब जो इसी डिपार्टमेंट के थे उन्होंने बड़ा लिखा है मेहताब अली शाह हैं ये हैं हफीज़ मलिक नहीं दूसरे जो इफ्तखार मलिक साहब हैं जी फिक्शन आई डोंट रीड नॉवेल्स मैंने पहले भी शुरू में भी नहीं पढ़े सर कभी भी नहीं नॉवेल्स में नहीं पढ़ता वो बड़ा यानी आप लोग खैर इंटरव्यू में नहीं आप अगर आप डिलीट करना चाहें कि यानी पर्सनल एनेक्डोट तो मेरा जब इंटरव्यू था फॉर रिक्रूटमेंट यू नो एज ए लेक्चरर इन कराची यूनिवर्सिटी तो मैं गया और बड़े तैयारी करके तो सिलेक्शन बोर्ड पैनल एक पूरा बैठा हुआ होता है तो वो उन्होंने सवाल पूछे अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी ये वो और मैं सब वो जवाब देता रहा और फिर जो है वो वीसी साहब जो थे उस वक्त हमारे जफर जैदी साहब तो उन्होंने कहा कि जी फ़नून लतीफ़ा से भी कुछ आपको शौक़ है कल्चर और ये वो मैंने कहा सर मैं नहीं पढ़ता कल्चर और आर्ट्स वो वाला शौक़ नहीं है मुझे वो शायरी और ये सारे लिटरेचर जी हाँ तो पॉलिटिक्स कल्चर यू नो व्हिच इज़ वन दैट वन बुक दैट यू ऑलवेज रिकमेंड टू योर स्टूडेंट्स या करेंगे यू सी डिपेंड्स ऑन द यू नो कोर्स दैट आई एम टीचिंग सो इफ आई एम टीचिंग यू नो आइडेंटिटी कोर्स एंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान सो द वन बुक ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज़ द अदील खान बुक ऑन एथनिक मूवमेंट्स क्योंकि वो चारों एथनिक मूवमेंट्स बलोच पश्तून सिंधी महाजिर को उन्होंने आई थिंक इट इज़ द बेस्ट बुक दैट इज़ वन बुक दैट आई रिकमेंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर मैं जो आपने भी पढ़ा अगर वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसमें कुछ बड़े सीक्रेट टेक्स्ट हैं ठीक है जॉन बर्टन का जो है ठीक है इसी तरह रिचर्ड रूबिनस्टाइन है योहन गैल्टुंग हैं ठीक है जी तो डिपेंड्स ऑन द कोर्स के कुछ उसमें टेक्स्ट बुक्स हैं ओमतोस करिमली की एंथनी स्मिथ की है तो वो डिपेंड करता है कि वो बुक यानी कोर्स कौन सा है वो बुक क्या है तो फिर उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि जी ये बुक्स आपको पढ़ना इस कोर्स के लिए जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है तो अगर थियरीज ऑफ आई आर अंडरग्रेड का कोर्स होगा तो स्कॉट बर्चिल द मल्टीपल ऑथर स्कॉट बर्चिल की एक एडिटेड बुक है आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टेक्स्ट बुक फॉर थियरीज ऑफ फॉर टीचिंग थियरीज ऑफ आई आर जी सर कोई और बुक लिखने का है कि आपने है जी हाँ रिसेंटली आई एम यू नो आई रिटन अबाउट इट मीनिंग ये आर्टिकल अभी अगले एक दो महीने में आ जाएगा एंड वेरी रूडिमेंट्री आइडियाज़ बट स्टिल आई वॉज एबल टू राइट ऑन अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द रीज़न वाई बिकम मीनिंग आई वॉज इंटरेस्टेड बिकम मोर इंटरेस्टेड बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिकम मोर प्रोट्रैक्टेड आफ्टर August 5th, 2019 तो आई बीन थिंकिंग अबाउट हाउ द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट डायड यू नो विल शेप अप और हैज़ द पोटेंशियल टू शेप अप एंड वेदर वी कैन इवन थिंक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज तो जिस तरह आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो इंडियन फॉरन जी ख़त्म हो गया सब और गॉन कश्मीर गया और आर्टिकल 317 और लॉक Let's talk beyond it. तो जी हाँ तो मैं you know I'm still thinking. So I've written this one article which will be out I think in the next month or two. If I get a good enough, let's say I'll send this to a number of people and if that gets good enough reviews and if I have enough confidence then maybe write my next book on you know India Pakistan. But primarily from the perspective of evaluating or thinking about ways in which they can
move beyond their conflict diet, which is a very difficult thing to do, but still I want to work on. Sir, social media pe kab active ho rahe hain aur apne jo aapke ideas hain wo wahan pe share karenge ya nahi? Twitter you mean? Facebook to main bilkul ab bahut kam. Twitter pe meaning I'm not a Twitter savvy person in the sense that I'm not writing a lot on Twitter. तो यानी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, देर पुटिंग एवरीथिंग. आई डोंट थिंक ट्विटर कम्स टू मी दैट इजीली, ठीक है जी. बट समटाइम्स व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग और यू नो समथिंग दैट आई रियली फील पैशनेट अबाउट और कुछ होता है कि मेरा कि ये लिखूँ इस बारे में, तो देन आई पुट सम ट्वीट्स इन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स I'm not looking at Twitter that very much. ठीक है जी. किताब के आने के बाद हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि वो फिर notifications आ जाती हैं. Then I have to thank everyone and you know of course that is important to do. और फिर वो tweets और retweets. जी हाँ. But हाँ. And the other thing is that I do not you know like to get into those debates on Twitter. जो opinionated वो होती बहुत ज़्यादा नहीं, because I think that takes away a lot of your time. फिर दिन भर ये सोचते रहें कि अब ये लिख दिया है, जवाब क्या आएंगे, अब जवाब क्या मैं लिखूं, और अब मैं अगर वही सोचता रहूंगा फिर मैं पढ़ नहीं सकता ना बाकी से. तो आप रीडिंग को अभी कितना टाइम देते हैं डेली? इन टर्म्स ऑफ मीनिंग देयर इज नो टाइम, मीनिंग आई एम हियर, मीनिंग एक मेरा जो वर्क शेड्यूल है इट्स फ्रॉम 9 to 5, ठीक है. एंड नॉर्मली व्हेन आई गो होम दैट इज व्हाट आई डू, आई डोंट डू एनी work related thing at home, theek hai ji. So from 9 to 5 I'm reading my stuff, classes le li phir baith gaye, you know, reading my stuff, on writing my stuff. Nahi wo everyday, wo everyday ka hai, wo that is something that I do on an everyday basis. Ji haan, to meaning jo 9 to 5 ke jo hours hain wo that hours are spent, you know, writing, thinking, reading. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. इट वाज वंडरफुल हैविंग दिस कन्वर्सेशन. थैंक यू जी. बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू. शुक्रिया.